हेलो डियर स्टूडेंट्स नमस्कार वेलकम टू संकल्प भारत संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे जई एडवांस का एग्जाम करीब आ रहा है जई मेंस आपने निकाल लिया है आपकी मेहनत को एक आइडेंटिटी मिल चुकी है और एक बड़ी आइडेंटिटी मिलनी बाकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस बड़ी आइडेंटिटी के लिए मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे और उसी आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम आपका सपोर्ट करने आए हैं विद रैंक बूस्टर सीरीज जिसमें आपको फिजिक्स के केमिस्ट्री के और मैथ्स के

और करेंट इलेक्ट्रिस एंड टॉपिक्स की अपनी एक खासियत है अगर कपैसिटेंस की बात करें तो कैपैसिटेंस एक इंडिविजुअल टॉपिक है एक इंडिविजुअल लेकर आता है जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ आपके है आपके बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप इसके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे ठीक है अच्छा उसके बाद बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट टॉपिक उसके भी क्वेश्चंस लग जाने चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं तो भाई ये दोनों चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म अपने, अपने अंदर तीन पोर्शन बेसिकली कवर करता है वन इज द इफेक्ट ऑफ करंट ठीक अनदर वन इज अनदर वन इज फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड द सेकेंड वन इज कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया जाए तो उसका कैसा बिहेवियर होगा एंड थर्ड वन अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है वो टॉर्क भी प्रोड्यूस कर सकता है अगर आपको ये सारे क्लियर रहेंगे तो आप बहुत आराम से अपने जे एडवांस के एग्जाम में कम से कम कम से कम दो से तीन क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर सकते हैं और हमने आज के पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिनके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप अपने क्वेश्चन को बढ़िया से जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे उनको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन एंड इट इज फ्रॉम द टॉपिक कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक मीडियम है एक मीडियम हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के A medium having dielectric constant k that is greater than 1 fills the space between the plates of parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is d. कैपैसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट ये जो कैपेसिटर है ये वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है एज शोन इन फिगर ए नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड बाई अ डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन एज शोन इन फिगर बी इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम कन्फिग्रेशन डिपेक्टेड इन फिगर ए एंड फिगर बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर

ठीक अच्छा भाई अब अगर सी फाइनल की बात करी जाए तो फाइनली जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के इन एफ साइल नॉट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दिस द

एरिया प्लेट का एरिया अगर प्लेट का एरिया ए कह रहा है जो भी कह 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 रहा हूं, ही कह रहा रहा है है नहीं दे रखा कह रहा कि बहुत बड़ा प्लेट तो हम अपनी मर्जी से ए मान लिए भाई तो देखो डी की जगह अब दोनों प्लेट्स के बीच का गैप कितना है डी ए हो गया डी बाई टू हो गया डी बाई टू हो गया तो ये कितना टू डी अच्छा टी कितना है भाई? T की कितनी है है डी भाई साहब और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा डी बाई अरे समझ आया क्या चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं और c फाइनल कितना होगा तो c फाइनल हमको मिला a 2d में से d घटेगा देखिए ये 2d में से अगर आप d घटाओगे तो 2d में से d जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2d में से d जाएगा तो d बचेगा ना अरे d plus d by k हो जाएगा बहुत अच्छा यार क्या बात है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं d d k तो देखो c फाइनल कितना मिलेगा ए अच्छा यहाँ पे एपसाइलन नॉट सी फाइनल कितना मिलेगा ए बाई यहाँ से डी कॉमन कर लें एलसीएम के हो जाएगा तो ये के प्लस वन और एक के ऊपर चला जाएगा ये एपसाइलन नॉट ठीक तो सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल कर दिया जाए देखो सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा ए के एपसाइलन नॉट अपॉन डी अपॉन के प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए बाय डी के एपसाइलन नॉट देखो ए बाय डी के एपसाइलन नॉट से कट गया ठीक बचा क्या भाई तो सी फाइनल विल बी इक्वल टू नीचे प्लस वन वाओ वेरी गुड यार बहुत अच्छा अपना बी ऑप्शन क्या कह रहा है देखो तो जरा बी ऑप्शन को पढ़ते हैं द कैपेसिटर इज डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ वन अपॉन के प्लस वन वेरी गुड एंड द बी इज द बी इज द राइट आंसर अरे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं देखें सी भी सही हो सकता है क्या ऐसे ही सॉल्व करना है देखो ऐसे सीक्वेंस में हर 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 ऑप्शन 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 को 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 चेक 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 करते करते हुए हुए चलना है हर को करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे जैसे मैं हर को करके सॉल्व कर रहा हूं वैसे आपको हर ऑप्शन को चेक करके सॉल्व करना है क्योंकि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उस एग्जाम में टाइम का कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है टाइम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन टफ है आपको छह घंटे का पेपर देना है सर और आपको सही क्वेश्चंस करने हैं मतलब आपको बहुत फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है और बहुत फोकस के साथ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ठीक है तो भाई टाइम का तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता जेई एडवांस के पेपर में जेई एडवांस के पेपर में इशू क्या है कि आपको आना चाहिए समझ आ रही बात अगर आपको आएगा तभी आप स्कोर कर पाओगे नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे और दूसरी बात कि इसमें अगर आप केवल ऐसे पढ़ के जा रहे हो कि मेरा एक चैप्टर तैयार है और मैं क्वेश्चन कर ले जाऊंगा सर तो इसके ऐसे क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी के जुअल टॉपिक्स जिनको, जिनको अगर आप पढ़ लो अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो भाई हो सकता है कि वो आपको सही क्वेश्चन लगवा दें ठीक जैसे कैपेसिटेंस हो गया करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया लगभग आपका मॉडर्न भी हो गया मॉडर्न फिजिक्स कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा प्रिपरेशन में अगर आप अपनी प्रिपरेशन में मॉडर्न छोड़ के जा रहे हैं मतलब आप फिजिक्स में अपने आप को बैकफुट पर ले जा रहे हैं सर तो मॉडर्न जरूर करके जाइएगा मॉडर्न में बस क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चंस लगाए हैं कि नहीं लगाए जितना क्वेश्चन लगाओगे आपके कॉन्सेप्ट ऐसे खुलते चले जाएंगे खुलते चले जाएंगे खुलते चले जाएंगे ठीक है तो मॉडर्न बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा और कोशिश करिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी तरह से कवर करके जाए सर बहुत आराम से आप दोनों पेपर मिला के पंद्रह से बीस क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ के और प्रिपेयर करके जा रहे हैं अगर आप रैंक्स के लिए सोच रहे

अच्छा दूसरा कह रहा है वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइ इलेक्ट्रिक मटीरियल तो भाई इसके लिए तो आपको वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वर्क कितना होगा तो देखिए जब पहली सिचुएशन थी कि अपने पास ये डाई इलेक्ट्रिक था इसमें बैटरी जो थी वो वी वोल्ट की कनेक्टेड थी यहां पे वी वोल्ट की कनेक्टेड थी और डाई इलेक्ट्रिक इसमें डाई इलेक्ट्रिक इसमें कंप्लीटली फिल्ड था ठीक तो देखो यहां पर यहां पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा भाई यहां पर जो चार्ज होगा क्या उसको सीवी लिख दिया जाए या सी इनिशियल इंटू सी वन या सीवी जो भी कर लो यहां कितना हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा ठीक है ओके वेरी गुड जब हमने इनके बीच के गैप को बढ़ा दिया तो वोल्टेज तो वही रहा लेकिन क्या बदल गया बताओ वोल्टेज तो वही रहा भाई बट डाई इलेक्ट्रिक के दूर डाइइलेक्ट्रिक से प्लेट के दूर हो जाने की वजह से क्या चार्ज पे फर्क पड़ा भाई बताओ चार्ज पे फर्क पड़ा कि नहीं कौन बताएगा यार चार्ज पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा देखो ये अपने पास है ये अपने पास है भाई यहां पर v वोल्ट की बैटरी लगी है हाँ बच्चा यहां पे v वोल्ट की बैटरी लगी है देखो अब यहां पे चार्ज कितना होगा क्या कैपेसिटर बदल गया था, था? कैपेसिटेंस बदल गया था जो C फाइनल था वो किसके बराबर हो गया C इनिशियल अपॉन के प्लस वन और अगर अपन C इनिशियल को ध्यान देना अगर अपन C इनिशियल को कितना मान रहे हैं C इनिशियल को अगर अपन C मान रहे हैं इसको C कर देते हैं देखो अगर अपन इसको सी वी लिख रहे हैं तो यहां माइनस सी वी है तो देखो इस वाले इस वाले एक्सप्रेशन से जो हमने निकाला इसमें सी फाइनल को सी अपॉन के प्लस वन लिखा जा सकता है कि? अरे लिखा जा सकता है और प्लेट्स का जो वोल्टेज है उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा सी फाइनल दैट माइनस सी वी अपॉन के प्लस वन अरे ठीक है अरे बहुत बढ़िया तो बताओ चार्ज बढ़ा की घटा यहां पे चार्ज था सीवी यहां कितना हो गया सीवी अपॉन के प्लस वन मतलब यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के बैटरी से इधर गया होगा अरे ठीक है भाई कितना गया होगा ये Q चार्ज कितना गया होगा तब ये सिचुएशन आई होगी तो Q विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल तो Q फाइनल कितना होगा बताओ तो जरा Q फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सीवी अपॉन के प्लस वन माइनस माइनस सी वी तो मैं सी वी को अगर कॉमन कर लूं तो क्या होगा वन माइनस वन अपॉन के प्लस वन माइनस वन तो यहां हमको मिलेगा सीवी वन माइनस के माइनस वन अपॉन के प्लस वन अरे ठीक है तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास कितना भाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई देखो वन से वन कट जाएगा तो सीवी माइनस में अपॉन के इंटू के अपॉन के प्लस वन देखो मतलब यहां से ये पता चल रहा है यह पता चल रहा है कि भाई यहां से जो चार्ज गया होगा भाई यहां से कुछ चार्ज निकला होगा तभी तो यह सिचुएशन आया तो Q विल बी इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल नेगेटिव आने का मतलब है कि इस प्लेट पे जो चार्ज था वो इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज घटा और भाई हम क्या जानते हैं वर्कडन इक्वल्स टू क्या होता है Q इन वी होता है और भाई अब हम चार्ज की डायरेक्शन को यहां पे इंडिकेट कर दे रहे हैं ये नेगेटिव आने का मतलब है कि इस प्लेट से चार्ज निकला है अरे निकला है कितना निकला है के सी वी अपॉन निकला है तो कितना वर्क डन हुआ भाई के सी

वो घट जाएगा अरे ठीक है चले आगे बढ़े आइए ये था अच्छा क्वेश्चन कैपेसिटेंस का इंसर्शन ऑफ डाई का कि डाई पहले से प्लेट्स के अंदर है और अगर हमने प्लेट को आगे पीछे किया तो ये उसकी कंप्लीट पीएचडी है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल सकती है ठीक दूसरी बात क्या पूछा गया कैपेसिटेंस कैसे बदल सकता है तीसरी बात क्या चार्ज कैसे बदल सकता है अगर आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ध्यान दिया हो तो देखिए हमने चार्ज भी निकाला पहले सीवी था बाद में कितना हो गया सीवी अपॉन के प्लस वन हो गया और फिर कितना वर्क परफॉर्म हुआ वी कैलकुलेटेड द सेम थिंग मतलब हमको एक क्वेश्चन से इतने सारे कॉन्सेप्ट मिल गए अरे मिले भाई इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है कि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सब आता होगा तभी आप क्वेश्चंस कर कर पाओगे कर पाओगे अदरवाइज नहीं ठीक है ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन देखो एडवांस 2022 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ कठिन नहीं है कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक अच्छा बच्चा अगर कैपेसिटीज पढ़ रहा है तो वो ये बातें ना पढ़े बस उसको अच्छे से उन बातों को अपने दिमाग में रखकर उनको अपने फिंगर टिप पे ले आना है ताकि जो हम सोच रहे हैं जो हमारे दिमाग में प्रोसेस हो रहा है वो पेपर पे आ सके ठीक है चलो आओ आगे बढ़ते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया एस एंड प्लेट सेपरेशन डी टू डायल डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी दो दे रखी, है, और की दे रखी है, plates, figure, अरे है इसको आप सही कर लीजिएगा दिस इज द रेशियो ऑफ सी टू बाई सी वन ये एडवांस दो हजार पंद्रह में पूछा गया था जैसे पेपर में कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं तो ये उसी कैटेगरी का था तो मतलब यही एडवांस के पेपर का हर क्वेश्चन बहुत टफ होगा यह जरूरी नहीं है आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन को, तो को बहुत ढूंढिएगा ढूंढने लग गए तो भाई अगर आपको आसान क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर मिलने लग गए तो आप तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सेफ जोन में आ जाएंगे ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो प्लेट था यह पहले इसके बीच में एयर भरा था मतलब सी ध्यान दो C1 जो है वो हो जाएगा अपने पास जैसे यहां पे S लिखा है अपन A से बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो यहां पे लिख लेते हैं A by D, S A A को से रिप्लेस कर देते हैं ये सब छोटी मोटी चीजें जो अगर आप इंप्लीमेंट करो जिन टर्म्स पे आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो भाई उन टर्म्स को ज्यादा यूज करा करो अब तुम ए की जगह एस लिखोगे ना तो तुमको बार बार अपने दिमाग में प्रोसेस करना पड़ेगा एस अब जैसे हमने सबने ए से प्रैक्टिस कर रखा है तो ए लिखो एस से प्रैक्टिस कर रखा है तो एस लिखो यार ठीक अब दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है कि डायलेक्ट्रिक भर दिया गया तो देखो अगर मैं इस कैपेसिटर को देखू ना तो मैं इस कैपेसिटर को ऐसे तीन कैपेसिटर्स में डिवाइड कर सकता हूं तीन कैपेसिटर्स में डिवाइड करने का मतलब है एक मेरा कैपेसिटर यहां पे हो जाएगा एक कैपेसिटर यहां पे हो जाएगा और एक कैपेसिटर मेरा नीचे हो जाएगा इस वाले कैपेसिटर को सी ए मान लिया इस वाले को सी बी मान लिया इसको सी सी मान लिया अगर हम अगर हम सी ए की वैल्यू देखें तो सी ए को क्या लिखा जा सकता है देखो ये वाला जो है ये तुम्हारा सी वन है सी ए है तो जब सी ए होगा तो इसका एरिया भी आधा है और इसके बीच का गैप भी आधा है तो ए बाई डी ए बाई टू अपॉन डी बाई टू करोगे देखो ए बाई टू डी बाई टू और इसका कितना है एपसाइलिन वन इंटू एपसाइल नॉट अरे बहुत अच्छा इस टू से ये टू कट जाएगा तो ये कितना मिलेगा ए बाई डी इंटू एपसाइलिन वन इंटू एपसाइल नॉट और एपसाइलिन वन की वैल्यू हमको कितनी पता है हमको टू पता है तो मैं इसको सी ए को क्या मैं टू सी वन लिख सकता हूं देखो, A by D into epsilon C1 और E1 की वैल्यू है अपने पास 2, तो अपने पास पास तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डायलैक्ट्रिक का डी बाई टू हुआ तो भाई ए बाई टू डी बाई टू कट जाएगा बस यहां पर एबसाइलेट टू इंटू एबसाइलेट नॉट हो जाएगा और इसको अपन लिख सकते हैं फोर सीवन अरे ठीक है अच्छा अगर मैं सीसी की बात करूं इस वाले कैपेसिटर की बात करूं तो इसमें देखो केवल प्लेट एरिया आधा हो रहा है डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑफ द द दैट इज इज थिकनेस डी तो ये कितना होगा ए बाई टू डी इंटू टू इंटू एबसाइल इन नॉट अरे समझ आए और भाई इससे ये कट जाएगा तो ए बाई डी इंटू एबसाइलिन नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं सीवन मतलब ये देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा हो गया फोर सीवन ये तुम्हारा नहीं सॉरी ये हो गया तुम्हारे पास टू सी वन ये तुम्हारे पास हो गया फोर सीवन और ये तुम्हारे पास हो गया सी वन तो इसका जब तुम सी इक्विवेलेंट निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू सी टू तो क्या होगा बताओ आगे बढ़ते सी इक्विवेलेंट क्या होगा भाई सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू फोर सीवन इन टू टू सी वन अपॉन फोर सी वन प्लस टू सी वन प्लस सी वन और यही हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सी टू तो सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट सी वन बाई सिक्स प्लस सी वन टू फोर जा एट टू थ्री जा सिक्स तो सी टू की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी फोर सी वन प्लस थ्री सी वन डिवाइडेड बाई थ्री तो सी टू विल बी इक्वल टू सेवन बाई थ्री सीवन तो सी टू बाई सी वन विल भी इक्वल टू सेवन बाई थ्री सी टू बाई सी वन विल बी इक्वल टू सेवन बाई थ्री मतलब कौन सा आंसर सही है अपना अरे ठीक है भाई कौन सा आंसर सही है बताओ आओ देखते हैं जरा आंसर देखते हैं यार कौन सा आंसर सही है अपना एंड द आंसर डी इज द राइट आंसर ठीक है आसान सवाल है हर बार ऐसे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे बट पेपर में हर टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर करके जा रहे हो मन लगा के पढ़ के जा रहे हो पूरी तैयारी है आपकी आपने जयंस निकाल रखा है तो ऑब्वियसली ये कंसिडर किया जाएगा कि आपकी तैयारी पूरी है आपको बस क्वेश्चन लगाने और अपने कॉन्सेप्ट को एक जगह बाइंड करना है और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको पेपर में आसान क्वेश्चन डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा इस तरह के आसान क्वेश्चन ठीक है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई

द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर द टोटल कैपेसिटेंस सी जो है वो आपको दे रखा है कह रहा है है सी सी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इसका जो C equivalent है, वो आपको दे रखा है सी दैट ऑफ द पोर्शन विद डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन इीवन जो इतना हिस्सा है ये जो हिस्सा है इसका जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है सीवन इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है सीवन भाई और कह रहा है कि वेन द कैपेसिटर इज चार्ज द प्लेट एरिया कवर्ड बाई द डाइलेक्ट्रिक गेट चार्ज विथ क्यू वन इतना हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा क्यू वन से चार्ज हो रहा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्यू टू से चार्ज हो रहा है एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया गेट चार्ज विथ क्यू टू

बी कह रहा ये तो गलत होगा भाई अगर ए सही है तो बी बी गलत होगा अगर बी सही है तो ए गलत होगा ठीक है अच्छा सी ऑप्शन क्या कह रहा है एंड डी कह रहा है तो पहले हम अगर कैपेसिटेंस निकाले तो हम जानते हैं कि दोनों पर वोल्टेज सेम है तो क्यूक्वल टू सी वी होता है Q इक्वल टू सी वी होता है तो भाई Q1 वन अपॉन क्यू टूल टू सी वन अपॉन सी टू हो जाएगा तो पहले अपने को C निकालना है भाई तो देखो जब कैपेसिटेंस की बात करोगे तो देखो C इक्वी कितना होगा c इक्वलन कितना दे रखा है c दे रखा है यार, दे रखा है ना c1 कितना c1 कितना बताओ अगर मैं अगर मैं d ऑप्शन को सॉल्व करने जा रहा हूं फिलहाल कौन से ऑप्शन को d को तो मैं c1 को क्या लिखूंगा इतने हिस्से को कहा गया इसका कैपेसिटेंस c1 है तो मैं नीचे वाले हिस्से का कैपेसिटेंस मान ले रहा हूं क्या है भाई नीचे वाले का कैपेसिटेंस मान ले रहा हूं c2 है तो मैं c1 को जब लिखूं तो मैं लिखूंगा a 3d k ε0 ठीक है अच्छा अगर C2 लिखा जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2A ए बाई एरिया ऑफ द प्लेट 2 बाई थ्री तो 2A ए बाई थ्री डी एपसाइल नॉट तो सी इक्विवेलेंट दोनों कैसे जुड़े होंगे देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो दोनों पे वोल्टेज सेम है मतलब दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल और जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो जो हमारा सी इक्विवेलेंट होता है वो बराबर हो जाता है C1 वन प्लस के ये तो जानते ही हो गए यार तो मैं यहां से अगर कॉमन करूं तो देखो ए बाई डी ए बाई डी इन एपसाइलेंट नॉट को अगर कॉमन कर दिया जाए या ए बाई थ्री डी इंटू नॉट को कॉमन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा अपने यहां हो जाएगा अपने पास के और यहां पर हो जाएगा अपने पास टू तो कितना आया के प्लस टू ये हो गया अपने पास सी इक्विवेलेंट इसी को अपन क्या कह दिए सी और कह रहा है कि सी बाई सी वन का रेशियो चाहिए तो सी वन कितना है C1 कितना है ए बाई थ्री डी इंटू के एफ साइलेन नॉट और सी कितना है ए एफ्साइलेट नॉट बाई थ्री डी इंटू इंटू के प्लस टू तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे देखो जब तुम इसको डिवाइड करोगे क्या करोगे सी बाई इधर ध्यान दो एक स्लाइड ऐड करते हैं. जब तुमको सी बाई सी वन करना होगा तो क्या मिलेगा ए बाई थ्री डी इंटू एफ साइलिन नॉट के प्लस के प्लस टू अपॉन ए बाई ए बाई थ्री डी इंटू के नॉट अरे समझ आया क्या कटेगा ए बाई थ्री डी एफ साइलेंट नॉट ए बाई थ्री डी एफ साइलेंट नॉट कट जाएगा तो सी बाई सी बाई के अब ये हो जाएगा, अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास आंसर एक अपने को मिल गया क्या मिल गया c बाई सी वन मतलब डी ऑप्शन क्या सही है क्या देखा जाए तो तो डी ऑप्शन कह रहा है कि हाँ C बाई सीवन इज टू प्लस के बाई के और अपने पास आ गया कितना आ गया कितना आ गया भाई के प्लस टू बाई के अरे समझ आया मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया अब अब अगला क्या कह रहा है अगला क्या चेक करो कि Q1 वन बाई क्यू निकालो Q1 वन बाई क्यू निकालो तो जब Q1 वन बाई क्यू निकालना है तुमको तो Q1 वन बाई क्यू कैसे निकालोगे अब हम ट्राई करने जा रहे हैं C वाला ऑप्शन अपॉन क्यू टू क्यों सी वी होता है दैट इज सी वन अपॉन सी टू और C1 की वैल्यू कितनी है C1 की वैल्यू है a बाई थ्री डी इन टू के एफ नॉट और C2 की वैल्यू है टू ए बाई थ्री डी देखो इधर देखो C2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है C2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है टू ए बाई थ्री डी एपाइलेन टू ए बाई थ्री डी इंटू एफ साइलिन नॉट क्या मिला Q1 वन बाई क्यू टू क्या मिला अपने को देखो क्या ए बाई थ्री डी ए बाई थ्री डी एपसाइलेन नॉट एपसाइलेन नॉट कट गया आंसर आया अपने पास के बाई टू मतलब सी ऑप्शन सही है कि गलत है देखो सी ऑप्शन सही है कि गलत है q1 बाय q2 कह रहा है 3 बाय k अरे ये तो गलत हो गया यार मतलब सही आंसर कौन-कौन सा है the a इज द राइट आंसर एंड d इज द राइट आंसर अरे ठीक है चलें आगे बढ़े अरे आगे बढ़ा जाए आओ देखते हैं ये हो गया अपने पास एक क्वेश्चन और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द कैपेसिटेंस एंड इट इज अ स्विचिंग बेस क्वेश्चन स्विच बेस्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर बट ये है आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और देखिए ये क्वेश्चन दो एडवांस तेरह में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन क्या था कह रहा इन द सर्किट शोन इन द फिगर देर आर टू पैरल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर स्विच एस वन इज प्रेस्ड फर्स्ट एंड फुली चार्ज द कैपेसिटर दीवन एंड देन रिलीज मतलब पहले स्टेटमेंट की बात करी जा रही है कि पहले हमने कैपेसिटर वन को कैपेसिटर वन को टू वी नॉट की बैटरी से टू वी नॉट की बैटरी से फुल चार्ज किया टू वी नॉट की बैटरी से फुल चार्ज किया तो भाई इसका कैपेसिटेंस सी है तो यहां कितना हो जाएगा टू सी वी नॉट यहां कितना हो जाएगा माइनस टू सी वी नॉट और एंड देन रिलीज्ड उसके बाद उसके बाद क्या कर दिया गया उसके बाद इस स्विच को हटा दिया गया ठीक है पहला स्टेप स्टेप वन दूसरा स्टेप क्या करा गया द स्विच एस टू इज देन प्रेस्ड टू चार्ज द कैपेसिटर टू सॉरी देन स्विच एस टू इज प्रेस टू चार्ज कैपेसिटर इसके बाद हमने क्या करा स्विच टू को क्लोज करा स्विच वन को ओपन कर दिया अब स्विच टू को क्लोज कर रहे हैं तो देखो इसके ऊपर इनिशियली चार्ज था टू सी वी नॉट यहां पर चार्ज था माइनस टू सीवी नॉट और इन दोनों से हमने एक कैपेसिटर सी टू को कनेक्ट किया तो इनिशियली यहां पर एट इक्वल्स टू एट एट्टी इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज जीरो पे चार्ज जीरो ठीक देखते जाना एकदम सीक्वेंस में चलेंगे भाई अब इसके बाद क्या होगा यहां से चार्ज यहां ट्रांसफर होने लग जाएगा और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक भाई दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर न हो जाए अब सब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो देखो क्या होगा इसके बाद यह वाली प्लेट के ऊपर भी चार्ज आ जा 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 जाएगा सीवी नॉट इसके ऊपर माइनस सीवी नॉट अरे बात समझ आ रही और यहां जो कैपेसिटर लगा था इसके ऊपर भी हो जाएगा सीवी नॉट और यहां हो जाएगा माइनस सीवी नॉट ये तुम्हारा सीवन था ये तुम्हारा C1 था ये तुम्हारा सी टू था फिर ये तुम्हारा C1 था ये तुम्हारा सी टू हो गया ठीक है अब ध्यान दो अब देखो अब क्या हुआ भाई इसके बाद क्या करा हमने स्विच थ्री को क्लोज करा और स्विच टू को ओपन कर दिया आफ्टर सम टाइम एस टू इज रिलीज देन एस थ्री इज प्रेस्ड आफ्टर सम टाइम अरे बात S3 is After some time क्या होगा तो अगर मैं इस स्विच को ओपन कर दूंगा तो जैसे मैं ओपन करूंगा यहां फाइनली यह तो देखूं तो फाइनली क्या हुआ फाइनली क्या हुआ कि ये मेरा कैपेसिटर था सी इसको अब ऐसी बैटरी से कनेक्ट करा, करा गया तो यहां कितना होगा माइनस सी वी नॉट और यहां कितना होगा प्लस सीवी नॉट ठीक है तो सबसे पहला पार्ट कह रहा था अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कितना है भाई भाई क्या क्या अरे 2 CV not क्या? नहीं साहब इसके बाद तो ये स्विच ओपन हो गया था ना तो फाइनली जो चार्ज था वो कितना था सीवी नॉट मतलब द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज सी वी नॉट बी जो होगा वो अपना सही आंसर होगा सी क्या कह रहा चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ सी टू इज जीरो खास बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को समझिए बहुत दमदार क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टू वी नॉट यहां लगा था जैसे ही तुमने इस स्विच को क्लोज करा ये फुल चार्ज होने लग जाएगा जब ये फुल चार्ज होगा तो कहां तक चार्ज होगा देखो टू सीबी नॉट यहां पर प्लस और टू सी नॉट माइनस टू सीबी नॉट यहां पर माइनस अब तुमने इसको ओपन कर दिया इसको क्लोज किया तो इन दोनों के बीच में चार्ज एक्सचेंज होगा दोनों आइडेंटिकल बराबर, बराबर हो जाएगा यहां चला गया CV0, यहां गया आ अब अब फिर इसको open कर दिया अब S3 को close किया तो S3 V0 की बैटरी से कनेक्टेड था तो ये जो आया वो प्लस सीवी नॉट और ऊपर जो गया वो माइनस सीवी नॉट इस वजह से B और D जो थे वो सही आंसर थे ठीक है चले आगे बढ़ा जाए देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं यार और क्वेश्चंस देखते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को किताबों में इतने बड़े बड़े फॉर्मुले लगा के सॉल्व किया गया है कई सारे में तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पूरा पूरा किच लगा डाले हैं यार चार्ज दौड़ा दिया है प्लेट के ऊपर ऐसा कुछ भी खास नहीं है तो मैं बिना पेन चलाए इसका आंसर बता सकता हूं और आओ देखो बताता हूं कैसे ये कितने वोल्ट की बैटरी है दो वोल्ट मतलब यहां पर वोल्टेज कितना होगा दो और यहां पर कितना होगा जीरो मतलब यहां पर कितना होगा दो और यहां पर कितना होगा जीरो और क्या कह रहा है देन द चार्ज स्टोर्ड ऑन C3 थ्री इज सी की वैल्यू है कितनी C3 की वैल्यू है कितनी चार माइक्रोफेरेड ना तो चार्ज क्या होता है Q इक्वल्स टू CV होता है ना यार C है अपने पास फोर माइक्रोफेरेड वोल्टेज है दो तो ये आ गया अपने पास एट माइक्रो कूलम आंसर अरे कितना चार्ज होगा कितना चार्ज होगा भाई एट माइक्रो कूलम लो जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है यार क्या क्या कठिन था इसमें अब क्या अब लोग कहते हैं यहां से चार्ज गया Q1 इसके ऊपर प्लस क्यू इसके ऊपर माइनस क्यू अरे देखो जैसे ही दिखे कोई ऐसी ब्रांच जिसमें केवल एक बैटरी लगी है उसके दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सेम बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है सर और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन करे होंगे ठीक है और अगर आपने करें तभी आप जो एडवांस के लिए जाइए तो बहुत एफिशियंट जाएंगे फिर तब सेलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है इसी वजह से भाई दो लाख लोगों में से केवल ढंग ढंग से देखा जाए तो दस बारह हज़ार लोग होते हैं जिनको अपनी मनचाही चीज़ें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद मिल जाती हैं ठीक है तो थोड़ा मन लगा के मेहनत करिए और अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए हम पूरे पूरे फिजिक्स का पीवाई क्यू आपके सामने लेकर आएंगे एक एक क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट उनको बहुत बढ़िया से सॉल्व कराया जाएगा ताकि आप आने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको बहुत एफिशियंटली सॉल्व कर पाए कम से कम समय में सॉल्व कर पाए ठीक है चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट द करेंट थ्रू द रजिस्टर आर इक्वल टू टू होम इज आई एमपियर द वैल्यू ऑफ आई इज ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है आई की वैल्यू क्या होगी तो आई की वैल्यू कैसे निकालें आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको आर इक्वेलेंट निकालना पड़ेगा और आर इक्वेवलेंट कैसे निकालेंगे ये अच्छा सवाल है भाई ये देखो ये आठ होम है उसके साथ मुझे दिख रहा है इधर रेशियो वन बाई टू है और इधर रेशियो भी वन बाई टू है मतलब आठ होम को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं तो जो मेरा फर्दर सिंपलीफाइड वर्जन बनेगा डायग्राम का वो कैसा बनेगा देखो ये मेरे पास हो गया टू ओम ये मेरे पास हो गया वन ओम फिर ये हो गया मेरे पास टू ओम फिर ये हो गया मेरे पास कितना ओम सिक्स और फोर ओम ठीक है फिर इधर अपने पास टेन ओम ये अपने पास हो गया टेन ओम भाई इधर हो गया अपने पास 12 ओम और क्या हो गया और यहां पर लगा हुआ है अपने पास 4 ओम ठीक है अब यहां पर कितना है ये है अपना 2 ओम और बैटरी कितने वोल्ट की लगी है दैट इज 6.5 वोल्ट ठीक है अब तुम इसको सॉल्व करो ये 1 ओम ये 2 ओम ये 4 ओम अरे समझ आया क्या 1 ओम और 2 ओम ये दोनों कैसे जुड़े हैं 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन ओम 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 एंड 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 आर कनेक्टेड कनेक्टेड इन इन सीरीज सीरीज इज तो ये और ये और कितना हो जाएगा दो एक तीन अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जानते ही हैं सब लोग जानते हैं आप जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर तीन और छह आया तो सिक्स थ्री जी एटीन एंड सिक्स प्लस थ्री नाइन तो इसका जो पूरा सोल्यूशन होगा इसको हटाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा टू ओम मतलब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा जाए तो ये मेरे पास कितना था सिक्स ओम अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा हो गया टू ओम ये हो गया हमारे पास सिक्स टू ओम इधर वाली ब्रांच में हो गया ओम इधर वाली ब्रांच में अपने पास हो गया कितना फोर ओम और यहां पर बीच में कितना लगा है ये अपने पास लगा है टेन ओम अरे ठीक है यार बढ़िया भाई साहब बहुत अच्छा और बैटरी का वोल्टेज कितना लगा है दैट इज सिक्स वोल्ट और यहां पर टू ओम है तो देखो टू थ्री जा सिक्स फोर थ्री जा ट्वेल्व मतलब टेन फिर से वीट स्टोन ब्रिज हो गया इसको इलिमिनेट कर देंगे तो यहां देखो कितना होगा ये होगा चार दो छे और ये होगा बारह छह बारह छे अट्ठारह अरे ठीक है तो जब आर निकालने, निकालने जाएंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 4 plus 2, 6, and 12 plus 6, 18. तो इसको इसको हम लिखेंगे 6 into 18 upon 6 plus 18, और plus 2, और जब आप इसको solve करेंगे, तो ये आएगा सिक्स पॉइंट फाइव ओम तो जब टोटल ये आपके पास आर इक्विवेलेंट हो गया और जब टोटल करंट की बात हो रही है ओम से कितना जाएगा तो आई विल बी इक्वल टू वी बाई आर और वी की वैल्यू है अपने पास सिक्स पॉइंट फाइव और आर की वैल्यू भी है सिक्स पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा अपने पास वन एम्पियर अरे ठीक है बढ़िया अच्छा सवाल आसान क्वेश्चन अरे ठीक है जे एडवांस 2015 का सवाल है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है बस इसमें क्या था है वीट स्टोन ब्रिज दो बार लग रहा था तो इसी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पार्ट आ जाता है जो जनरली आपको आसान क्वेश्चन ही लाकर देता है इससे कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा कोई सा भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए छूट ना जाए ठीक है ये ये चैप्टर आपको सॉलिड एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस एक क्वेश्चन ये आपको दो क्वेश्चन निकाल कर देंगे ही देंगे ठीक है चलिए आइए देखते हैं अपना अगला सवाल

यहां पर अपने पास एक रेजिस्टेंस है बीच में एक बैटरी लगी है फिर एक रेजिस्टेंस है फिर यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है यहां पर एक रेजिस्टेंस है भाई अच्छा बीच में बैटरी भी है ठीक है बीच में अपने पास बैटरी भी है तो देखो इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं यहां से एक बैटरी है एक रेजिस्टेंस है यहां पर एक रेजिस्टेंस है फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस है फिर यहां पर भी एक रेजिस्टेंस बैटरी के वोल्टेज कितने अच्छा सारे रेजिस्टेंसेज कितने ओम के हैं भाई ऑल द रेजिस्टेंसेज ऑफ आर वन ओम ईच सब एक ओम के हैं भाई सब एक ओम के हैं और एक बैटरी 12 वोल्ट की है एक बैटरी 6 वोल्ट की है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है थोड़ी सी मिस्टेक है ई की वैल्यू 12 वोल्ट है और ई की वैल्यू 6 वोल्ट है इसको मैं यहां आपको मेंशन करवा देता हूं देखिए ये जो है ये 12 वोल्ट की है और ये जो है ये 6 वोल्ट की है ये 1 ओम है ये भी 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 1 ओम है और ये भी 1 ओम है अरे ठीक है ओके भाई वेरी गुड अब देखो क्या इस लाइन के अलोंग ये इलेक्ट्रिकल सर्किट सिमेट्रिकल है कि नहीं इस लाइन के अलोंग ये सिमेट्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है और अगर सिमेट्री बना रहा है तो मतलब मैं अगर यहां पर वोल्टेज वी मानूंगा तो मेरा यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा वी होगा तो मतलब मैं इसको उठाकर यहां ऐसे रख सकता हूं बस इस ब्रांच में जो आर इक्विवेलेंट होगा देखना क्वेश्चन ध्यान से देखना अब अब भाई सारा जादू अब शुरू हुआ इसका जो फाइनल सर्किट डायग्राम होगा वो यहां पर ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वन बाई टू ओम अरे हो जाएगा अब देखो यहां भी कितना हो जाएगा यहां भी हो जाएगा वन बाई टू ओम थोड़ा बड़ा सर के डायग्राम बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है देखिए ये हो गया आपने पास वन बाई टू ओम यहां भी हो गया अपने पास कितना ये भी हो गया वन बाई टू ओम ठीक है यहां भी कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपके पास वन बाई टू ओम अरे ठीक है देखिए ये वन और ये वन दोनों पैरल तो वन बाई टू ये वन और ये वन दोनों पैरल तो वन बाई टू ये वन और ये वन दोनों पैरल तो वन बाई टू ठीक है अब ध्यान दो भाई अब ध्यान दो अब यहां पर बैटरी जो है ये छ वोल्ट की और ये जो रेजिस्टेंस है ये वन ओम का अरे बहुत अच्छा वेरी गुड अब यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी है ये बारह वोल्ट की बैटरी है अरे वाह और ये रेजिस्टेंस वन ओम का है ठीक है बढ़िया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब तो हम चौब्स लगा सकते हैं लगा सकते हैं चलिए आइए लगा के देखते हैं क्या निकलेगा यार यहां से करंट आया आई ठीक है इधर गया अपने पास आई वन तो इधर चला जाएगा आई माइनस आई वन ठीक है अब हमको आई निकालना है आई वन निकालना है अपना काम बन जाएगा तो कैसे निकालेंगे यार देखो ऐसे लूप बना लो और भाई बैटरी का तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है और करंट पॉजिटिव रेजिस्टेंस में हमेशा कैसे जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव अरे भाई ठीक है यहां ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये positive, ये पॉजिटिव नेगेटिव और बैटरी का तो अपना नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल अब इसको सॉल्व करो जब मैं इस वाले लूप की बात करूंगा याद रखना जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे मतलब वी हैड गेन समथिंग तो हम वैल्यू को पॉजिटिव मानेंगे और जब हम नेगेटिव से सॉरी जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो हमने कुछ खोया अरे भाई पहले तुम पॉजिटिव में थे अब घटकर तुम नेगेटिव में हो गए मतलब तुमने कुछ खोया ठीक है और जब तुम नेगेटिव में थे और पॉजिटिव में गए तो तुमने कुछ पाया तो जब तुम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओगे तो याद रखना पॉजिटिव मानना है और जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना है तो याद रखना है कि हमने नेगेटिव मानना है तुम उल्टा भी मान लोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बस जो माना है उसको ध्यान रखना है एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को एक बार पॉजिटिव मान लिया और उसी क्वेश्चन में पॉजिटिव से नेगेटिव को एक बार नेगेटिव मान लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ठीक है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इसी वजह से हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव मतलब लॉस पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट तो जब आप लॉस से प्रॉफिट में जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे मतलब आप रिडी हुए कर्जदार हुए तो भाई आप नेगेटिव होंगे ठीक है चलिए देखिए शुरू करते हैं तो जब मैं इस लूप की बात करूंगा

यहाँ कितना अपने पास यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई ये यह आई यहाँ से आया तो यहाँ से भी तो आई आए ही आएगा तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस वन इंटू आई और यहाँ बैटरी में प्लस सिक्स विल बी इक्वल टू जीरो तो अगर यहां से देखा जाए तो यहां से अपने पास क्या बना माइनस वन बाई टू आई और माइनस आई दैट इज थ्री बाई टू आई प्लस वन बाई टू आई वन विल बी इक्वल टू सिक्स सबको उधर लेके चले गए भाई तो ये कितना हो जाएगा अपने पास थ्री प्लस आई वन विल बी इक्वल टू सिक्स टू दिस वन इज इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन आइए अब इक्वेशन नंबर टू देखते हैं यार ये हो गया आपने पास इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर टू क्या होगा इक्वेशन नंबर क्या होगा यार इसके बाद देखो इस लूप में आ जाओ अब इस लूप में चलो यहां से तो इसमें कैसे जा रहे हो इसमें जा रहे हो तो तुम यहां से शुरू करो चलो इस पॉइंट से शुरू करो इसी पॉइंट पे खत्म करना है यहां कैसे जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हायर टू लोअर हायर टू लोअर तो यहां कितना हो जाएगा आई माइनस आई वन इंटू वन ठीक अच्छा बारह वोल्ट में कैसे जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस बारह और यहां भी कैसे जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ये हो जाएगा आपके पास कितना प्लस वन बाई टू इंटू आई वन और इसमें कैसे जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये लोअर हुआ तो ये कितना माइनस वन बाई टू इंटू आई माइनस आई वन अरे ठीक है इक्वल्स टू जीरो अब इसको सॉल्व करो अब जरा इसको ओपन करो देखो क्या मिलता है यार अब जब तुम इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आई माइनस आई वन प्लस 12 प्लस 1 by 2 आई वन माइनस 1 by 2 आई अरे ठीक है प्लस 1 by 2 आई वन विल बी इक्वल टू जीरो अब सॉल्व करो ये अपने पास एक आई हो गया और दूसरा आई कहां है अपने पास दूसरा आई अपने पास ये रहा अरे ठीक है देखो भाई पहला आई यहां पे होगा अपने पास नेगेटिव तो ये हो जाएगा नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि पहले वाले में हम कैसे जा रहे थे पहले वाले में हम जा रहे थे हायर टू लोअर तो वन इन टू आई माइनस आई वन नेगेटिव होगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा यहां पॉजिटिव आ जाएगा अब देखो माइनस आई माइनस वन बाई टू आई को इसको अपन क्या लिख सकते हैं थ्री आई बाई टू माइनस में आई वन ये रहा वन बाई टू आई वन ये रहा और वन बाई टू आई वन ये रहा तो ये अपने पास हो गया टू आई वन विल इक्वल टू ट्वेल्व अरे ठीक है विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व ये अपने पास आ जाएगा माइनस ट्वेल्व अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा थ्री आई माइनस थ्री आई प्लस फोर आई वन विलवल टू माइनस ऑफ ट्वेंटी फोर दिस वन इज इक्वेशन नंबर टू अब वन और टू को एड कर दो चलो आगे देखते हैं वन इक्वेशन क्या है देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है थ्री आई प्लस आई वन इक्व टू ट्वेल्व तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा थ्री आई प्लस आई वन इक्वल टू ट्वेल्व और दूसरी क्वेश्चन क्या है दूसरी क्वेश्चन माइनस थ्री आई प्लस फोर आई वन विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थ्री आई प्लस फोर आई वन विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर अब क्या होगा भाई दोनों को ऐड करोगे इससे ये कट जाएगा ये हो जाएगा फाइव आई वन विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व तो आई वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ट्वेल्व बाई फाइव मतलब आई वन आ गया कितना आई वन आ गया कितना फाइव टू जै टेन फाइव फोर जै ट्वेंटी माइनस टू पॉइंट फोर एमपियर

अरे ठीक है तो आई की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी यहां से अगर आप आई निकालेंगे तो आई आपके पास आ जाएगा थ्री से ये कट जाएगा थ्री फोर जो अरे ठीक है और ये आपके पास हो जाएगा थ्री एटी फोर तो ये फोर पॉइंट एट एम पी आर आई आ गया तो भाई अब ध्यान दो अब इस अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझो समझो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को ध्यान से समझना कि जो अपने पास आई आ रहा है इसमें वो कितना आ रहा है आई की वैल्यू ध्यान दो आई की वैल्यू आ रही तुम्हारे पास 4.8 पॉइंट एट आई की वैल्यू आ रही है 4.8 पॉइंट बढ़िया अच्छा अब इधर आई वन मेरा नेगेटिव आया ध्यान दो आई वन जो आया वो कितना आया -2.4 टू इसका क्या मतलब है आई वन माइनस आने का मतलब क्या है कि आई वन ने अपनी डायरेक्शन बदल दी और ये हो गया अपने पास माइनस टू अरे समझ आया वन की वैल्यू हो गई माइनस टू पॉइंट फोर मतलब ऊपर अब इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है टू पॉइंट तो यहां कितना जाएगा फोर पॉइंट एट प्लस टू पॉइंट फोर दैट इज पास इधर आ जाएगा टू पॉइंट सॉरी पॉइंट एंड चार दो छह एक साथ सेवन पॉइंट टू एम्पियर कितना आया सेवन पॉइंट टू एम्पियर अब देखो अब इसको इधर ले आओ, यहां से जो करंट चली ये कितनी चली ये चली 4.8, कितनी चली 4.8, इधर कितनी गई बताओ 4.8 पॉइंट यहां से आ रही है तो भाई दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होगी ना यार तो 4.8 का आधा कितना हो जाएगा 2.4 पॉइंट इधर 2.4 पॉइंट इधर यहां से 2.4 पॉइंट एम्पियर इसमें जा रही थी आधे वाले में तो अब दो पार्ट में जाएगी तो इधर जाएगी 1.2 पॉइंट टू एम्पियर इधर जाएगी वन पॉइंट टू एम्पियर और इधर से भी कितना आएगा 3.6 पॉइंट एंपियर तभी तो इसमें जाएगा कितना 7.2 पॉइंट एंपियर अरे बहुत अच्छा अब आओ ऑप्शन देखते हैं द मैग्ट्यूड ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू फ्लोइंग थ्रू ये आर वन है यहां सब थोड़ा मिस्टेक है तो 7.2, 1.2, 4.8, 2.4 ये अलग अलग रजिस्टर्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा यहां पर वैल्यूज इसके चारों आंसर्स सही हैं ये एडवांस 2020, 2022 टू का क्वेश्चन है अरे ठीक है सारे के सारे आंसर इसमें सही हैं वही स्पेसिफिक वैल्यूज जो यहां आ रही है वही रजिस्ट्रेंसेस आपको लिखे हुए हैं अच्छा कई बार इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने चले जाते हैं कि भाई हम क्या करते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेते हैं तो हमारे पास एक एक्स यहां बनेगा एक वाई यहां बनेगा ठीक है इस बात का ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को कोशिश करा करिए कि अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करिए लूप रूल लगाकर ही सॉल्व करिए क्योंकि लूप रूल से भाई क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता जितना क्लियरली हमको करंट का एक जगह से दूसरी जगह बहना दिखाई देता है बिकॉज वी फील की ये कोई स्ट्रीम है ये वाटर की कोई स्ट्रीम है इधर से आई इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई वोल्टेज टर्मिनल्स पे चलते हैं कई बार हमारे टर्मिनल्स हमारे ध्यान से उतर जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है इस वजह से कोशिश करिएगा कोशिश करिएगा कि जब आप इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले तो उनको सॉल्व करने के लिए आप नोडल एनालिसिस को यूज करिएगा नोडल एनालिसिस से आंसर जनरली सही निकल कर आता है ठीक है कब नोडल एनालिसिस यूज करना है कब लूप रूल यूज करना है अरे ठीक है ये भाई loop, ये भाई साहब नोड और लूप सब आपको तब अच्छे से क्लियर होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा कर आएंगे अगर आप क्वेश्चंस लगा कर नहीं आएंगे तो क्लियर नहीं होगा अगर मैं यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं मैं नोड के थ्रू सॉल्व करूं आई वन इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो थोड़ा गलत हो सकता है ठीक है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में नोडल एनालिसिस इतनी हेल्प कर देता है कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर कर सको आपके एक वेरिएबल को वो एलिमिनेट कर देता है ठीक लेकिन हर जगह नहीं तो ये सब आपको तभी क्लियर होगा जब आप भर भर के क्वेश्चंस लगाएंगे अगर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी ठीक है जेई एडवांस -E मतलब कम से कम कम से कम आपने पूरे फिजिक्स से दो तीन हजार चार हजार क्वेश्चन तो लगाए ही हो यार अगर इससे कम लगाए हैं तो क्या ही तैयारी करिए ठीक है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट शोन इनिशियली देर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर ये है रजिस्टर और कैपेसिटर का कंबाइंड क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन ये एडवांस 2019 में पूछा गया है बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत लिखा था और एक स्पेसिफिक कारण की वजह से गलत लिखा था मैं आपको बताता हूं वो कारण क्या था आइए देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट शोन इनिशियली देर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड की एस एंड एस आर ओपन दोनों की एस और एस दोनों की दोनों की जो है वो ओपन है एस वन भी ओपन है और एस टू भी ओपन है ठीक है कह रहा है कि C1, C2, C3, C4 सी थ्री सबकी वैल्यू दे रखिये विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अब स्टेटमेंट वाइज हम सॉल्व करेंगे चलिए इस क्वेश्चन को हम एकदम फ्रेश पेपर पे सॉल्व करते हैं पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पेपर पे इसको एकदम फ्रेश स्क्रीन पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकती है तो देखिए भाई जब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने गए तो भाई पहले तो इसको सॉल्व बनाते हैं एकदम नीट एंड क्लीन कि अपने पास एक रजिस्टर था इस रजिस्टर से लगा हुआ एक कैपेसिटर था ठीक है भाई अच्छा बहुत बढ़िया और क्या था और इस कैपेसिटर से एक स्विच जुड़ा था इस कैपेसिटर से एक स्विच जुड़ा था फिर उसके बाद एक स्विच जुड़ा था फिर एक कैपेसिटर लगा था और फिर एक रजिस्टर लगा था ठीक है इसको थोड़ा सही से बनाते स्विच जुड़ा था कैपेसिटर लगा था और फिर एक रजिस्टर लगा था ठीक है बहुत बढ़िया फिर उसके बाद यहां पर एक बैटरी लगी थी कि कैपेसिटर लगा था देखते हैं अपने पास एक कैपेसिटर लगा था फिर एक बैटरी लगी थी एक कैपेसिटर लगा है फिर एक बैटरी लगी है ठीक है फिर उसके बाद फिर उसके, फिर उसके बाद फिर उसके बाद एक थर्टी ओम का फिर से रजिस्टर लगा है और फिर उसके बाद भाई फिर कुछ लगा है क्या देखो तो फिर उसके बाद फिर एक कैपेसिटर लगा है एक और यहां पर कैपेसिटर लगा है और उसके बाद ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं कि बीच में कोई रजिस्टर भी है भाई एक और रजिस्टर है देखो यहां पर एक और रजिस्टर है अब सारी वैल्यूज देखते हैं सेवेंटी ओम थर्टी ओम हंड्रेड ओम एंड थर्टी ओम सेवेंटी ओम थर्टी ओम हंड्रेड ओम एंड थर्टी ओम यहां बैटरी भी लगी थी क्या देखा जाए जरा तो हाँ भाई यहाँ पे एक दस वोल्ट की बैटरी भी लगी है देखिए यहाँ पर अपने पास एक दस वोल्ट की बैटरी भी लगी है ऐसे यहाँ पे दस वोल्ट की ये बैटरी लगी है और ये थर्टी ओम का अपना रेजिस्टर है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अब कहा जा रहा है कैपेसिटर्स को मार्क करते हैं कैपेसिटर क्या C1 10 माइक्रो फेरड C2 30 माइक्रो फेरड ये 10 माइक्रो का है ये 30 माइक्रो का है आओ मार्क कर लो ये 10 माइक्रो का है और ये जो है ये तुम्हारा 30 माइक्रो का है और देखो भाई और देखो और देखो और क्या कह रहा है ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास C4 की वैल्यू दे रखी सी थ्री टू सी फोर टू सी थ्री फोर एड का और ये भी तुम्हारे पास है 80 माइक्रो फेराड का ठीक है अब कलर चेंज कर लेते हैं अब आइए इस क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करें एक एक लाइन पढ़ेंगे जो जो पूछा जा रहा है उसी ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है ए द की एस वन इज केप्टोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज नाउ की एस टू इज क्लोज एट दिस टाइम द इंस्टेंटेनियस करेंट अक्रॉस थर्टी ओम रजिस्टर विल बी जीरो पॉइंट टू एम्पियर राउंड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस अच्छा बी कह रहा है इफ द देखो कह रहा है कि पहले हमने की एस वन को क्लोज कर दिया पहला पार्ट कह रहा है कि की एस को ये अपने पास एस की था ये अपने पास एस की था एस को क्लोज कर दिया ये पूरा फुल चार्ज हुआ एस वन को तुमने क्लोज किया ये पूरा फुल चार्ज हुआ उसके बाद तुमने एस टू को क्लोज किया और तुमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियसली बताओ कितनी करंट बहेगी ठीक है और क्वेश्चन में कहा गया कि क्या वो करेंट जीरो अरे ठीक है चलो भाई देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका दूसरा पार्ट पढ़ो जरा तो कह रहा है इफ द द द की इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सच सच दैट दैट कैपेसिटर्स आर चार्ज वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉसिटर सी वन विल बी फोर वोल्ट भाई पहले देखो स्विच वन को बहुत देर तक क्लोज करके रखना है उसमें क्या हो रहा है उसको पहले कंसीडर करो, फिर उसके बाद स्विच टू को क्लोज करो उसमें क्या हो रहा है उसको कंसीडर करो। तो पहले हम यहां पे अगर हिट करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि मुझे पहले बी वाला ऑप्शन सॉल्व करना चाहिए एक और पढ़ने देखिए और कुछ निकल रहा है क्या कह रहा है इंस्टेंटेनियस करेंट इन द सर्किट विल बी ट्वेंटी फाइव मिली एमप्य अरे ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है मुझे लग रहा है कि मैं सी को पहले हिट करूं अच्छा डी क्या कह रहा है डी भी पढ़ के देखते हैं इफ इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सच दैट द द कैपेसिटर्स आर चार्ज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू अरे ठीक है वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू पी और क्यू के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा तो सबसे पहले अपन सी पे चलेंगे सी कह रहा है कि हमने क्या करा जैसे ही सी ऑप्शन कह रहा है When the switch S one is closed.

तो मतलब फाइव बाई टू हंड्रेड ये कितना आया ये आया अपने पास वन बाई फोर्टी वन बाई फोर्टी एम्पियर अरे बहुत बढ़िया दैट विल इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव नहीं जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव तो मिली एम्पियर कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू 25 मिली एम्पियर मतलब सी वाला आंसर देखो क्या कह रहा है सी वाला क्या कह रहा है द एट द टाइम टीको द एस वन इज क्लोज एंड द इंस्टेंटेनियस करंट इन द्लोज सर्किट विल बी ट्वेंटी फाइव मिली एम्पियर बहुत बढ़िया भाई मतलब अपना जो पहला ऑप्शन था मतलब सी वाला जो ऑप्शन था ये जो सी वाला ऑप्शन हो गया ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया वाह क्या बात है C वाला ऑप्शन अपना सही हो गया अब और देखते हैं अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एस वन को हमने बहुत देर तक क्लोज करके रखा देखो बी इफ इफ the एस वन इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सच दैट द capacitors आर फुली चार्ज द voltage across the capacitor सी वन विल बी फोर वोल्ट आओ समझो कह रहा है देखें ये क्या है भाई अब उसके बाद सी के बाद अब हम सॉल्व कर रहे हैं बी को किसको सॉल्व कर रहे हैं बी को देखो पहले सी को सॉल्व किया आसान था बी को करते हैं अगर मैं इसको बहुत देर तक क्लोज करके रख दूं तो क्या होगा यहां से चार्ज चलेगा यहां पे हो जाएगा आपके पास प्लस क्यू यहां माइनस क्यू फिर यहां प्लस क्यू यहां माइनस क्यू फिर उसके बाद यहां प्लस क्यू यहां माइनस क्यू अरे भाई कोई करंट थोड़ी दौड़ेगी यार स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे सारे के सारे कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे और हम जानते हैं कि जो टोटल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वही टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है तो कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ पांच वोल्ट इट विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी क्यू बाई सी तो देखो यहां पर कितना होगा भाई यहां पर आ जाएगा आपके पास यहां पर आ जाएगा अपने पास क्यू बाई एटी ठीक है कितना आ गया क्यू बाई एट्टी प्लस यहां पे कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा आपके पास Q बाई टेन ठीक है और उसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर भी आ जाएगा आपके पास Q बाई एटी ठीक है चलिए अब ये तीन कैपेसिटर एक दो और तीन अरे भाई ये तो स्विच ओपन है इसका तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तीन कैपेसिटर है अब यहां से अगर आप चार्ज निकालेंगे तो आपको चार्ज क्या मिलेगा भाई एलसीएम हो जाएगा आपका एट्टी और यहां हो जाएगा आपके पास एट क्यू अरे ठीक है और यहां सॉरी यहां पे हो जाएगा आपके पास देखिए 80 ले लिया तो यहां हो गया आपके पास क्यू यहां हो गया आपके पास कितना टेन क्यू और यहां पर आपके पास हो गया कितना क्यू एंड सॉरी एट क्यू इसको थोड़ा ठीक करते हैं। यहां आपके पास हो गया एट क्यू फिर यहां पे हो गया आपके पास क्यू और ये इसके बराबर हो गया ये हो गया आपके पास फाइव के बराबर ठीक है तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमको कितना मिलेगा ये हमको मिलेगा टेन बी इक्वल टू एट प्लस टू टेन क्यू विल बीवल टू एट फाइव फोर्टी तो क्यू विल बी इक्वल टू एट फाइव अरे आठ पचीस चालीस ये कितना हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा फोर हंड्रेड तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फोर्टी कूलम क्यू की वैल्यू आ गई 40 माइक्रो माइक्रोकुल तो बताओ यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये V कितना होगा तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं V इक्वल्स टू क्यू बाई सी क्यू की वैल्यू हो गई अपने पास Q की वैल्यू हो गई अपने पास 40 माइक्रो माइक्रोकुल और C की वैल्यू हो गई अपने पास 10 माइक्रो फेरेड और ये आपके पास आ गया कितना दिस विल बी इक्वल टू फोर वोल्ट अरे बहुत अच्छा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया चार वोल्ट मतलब मेरा जो बी ऑप्शन था वो भी सही हो गया ठीक है सी क्या कह रहा है द की एस वन इज अ लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज नाउ की एस टू इज क्लोज एट द टाइम द इंस्टेंटेनियस करेंट अक्रॉस थर्टी ओम रजिस्टर बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू विल बी जीरो पॉइंट टू एम्पियर राउंड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस ठीक है चलिए आइए देखिए यही गलत हो जाता है मैंने क्यों कहा था कि ये क्वेश्चन लगभग हर बच्चा गलत कर दिया था इसके पीछे क्या कारण था वो कारण देखिए वो कारण ये था कि यहां पर चार वोल्ट का ड्रॉप आया बच्चों को लगा कि ये चार वोल्ट है इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा मतलब यहां भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितने का होगा वो चार वोल्ट का होगा देखिए क्या गलत इल्यूजन हो सकता है इसमें देखिए क्या गलती हो सकती है भाई इस क्वेश्चन को देखिए अगर मैं कहूं मैं ए वाले ऑप्शन को ए वाले ऑप्शन को फिर से डील कर रहा हूं कि यहां पर जो कैपेसिटर था अपने पास देखो ये जो कैपेसिटर था यहाँ पर रजिस्टर लगा था यहाँ पर स्विच लगा था यहाँ पर स्विच लगा था यहाँ पर कैपेसिटर लगा था यहाँ पर रजिस्टर लगा था यहाँ पर बैटरी लगी थी बहुत ध्यान से समझना भाई यहाँ पर कैपेसिटर लगा था यहाँ पर बैटरी लगी थी फिर यहाँ पर रजिस्टर लगा था फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा था यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा था फिर यहाँ पर एक रजिस्टर लगा था यह मेरा क्वेश्चन था और क्वेश्चन के अगर डेटा को फिर से रखा जाए देखना बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सत्तर है ये दस है भाई तो ये है अपने पास सत्तर और ये अपने पास ये अपने पास कितना है ये देखो ये अपने पास सेवेंटी ओम ये है अपने पास टेन माइक्रो टेन माइक्रो फेराड भाई बहुत अच्छा उसके बाद देखो ये जो था अपने पास ये था 30 ओम ये 70 ओम और ये कितना था ये अपने पास था ये अपने पास था 30 माइक्रो 30 माइक्रो फेराड फिर ये भी था अपने पास 30 माइक्रो फेराड और ये वाला कितना था देखो तो जरा ये वाला था 80 माइक्रो फेराड ये भी 80 माइक्रो फेराड था ये भी 80 माइक्रोफेराट था ये भी 80 माइक्रोफेराट था ये अपने पास पांच वोल्ट था ये अपने पास रेजिस्टेंस देखो भाई इसीलिए हम इसको बहुत क्रिस्टल क्लियर सॉल्व कर रहे हैं ये 30 ओम था ये 100 ओम था अब बच्चे को लगता है कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज चार वोल्ट है अगर यह स्विच बहुत देर तक क्लोज है मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रही है तो यहां पर वोल्टेज चार होगा और यहां पर वोल्टेज जीरो होगा बहुत बढ़िया बहुत अच्छी सोच है आपकी लेकिन लेकिन यह बात याद रखिएगा यह तब तक होगा जब तक यह स्विच क्लोज नहीं होगा ठीक तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्विच क्लोज करके यहां चार और यहां जीरो मान लेते हैं और उसके बाद अभी मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं देखिए कैसे गेम होता है ये आपके पास दस वोल्ट की बैटरी थी ये चार, था, दस में से चार गया डिवाइडेड बाई थर्टी किया तो ये हो गया अपने पास सिक्स बाई थर्टी वन बाई फाइव एंड दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एम्पियोर और अपने पास अगर ऑप्शन ध्यान से पढ़ा जाए तो ऑप्शन यही कह रहा है द की एस वन इज केप्ट क्लोज 30 ओम रेजिस्टर विल बी 0.2 पॉइंट अब देखो अब तुम खुश हो जाओगे कि तुमने 0.2 पॉइंट आंसर निकाला और तुम्हारा आंसर सही हो गया अरे ठीक है यार जीरो पॉइंट टू तुमने निकाल दिया तो और ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारे साथ हर बार ऐसा होता है कि अगर हमने सॉल्व किया आंसर निकला और वो आंसर ऑप्शन में है तो हमको लगता है इससे ज्यादा सही तो कुछ हो ही नहीं सकता बट ध्यान दीजिए ये जो सोल्यूशन है ये जो सोल्यूशन है, है ये गलत सोल्यूशन है ये ये गलत सोल्यूशन है क्यों क्योंकि जब ये 0.2 पॉइंट अगर मान लीजिए इधर से इधर गया तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगा और अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसमें आप करंट जीरो नहीं कह पाएंगे अरे ठीक है चले आगे बढ़ा जाए आइए देखते हैं देखते हैं आगे की कहानी क्या है भाई आगे की कहानी भाई तो अब क्या करें भाई अब क्या करें अगर ये गलत हो गया तो इसको कैसे सही तरीके से सॉल्व करा जाए तो भाई वो सही तरीका तुम तो मैं आपको बताता ही हूं देखिए क्या है सही तरीका यार क्या है वो सही तरीका वो सही तरीका कह रहा है वो सही तरीका कह रहा है कि भाई देखो ये तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंस था ये कितने ओम का था ये 70 ओम का था ना अब एक काम करो स्विच को क्लोज करो यहां पे तुम मानो करंट आया आई आई मान लो चलो आई मान लो इधर मान लो करंट गया आई वन तो इधर जाएगा कितना आई माइनस आई वन अब इसमें तुम लूप दौड़ाओ अब इसमें तुम लूप दौड़ाओ और फिर तुम्हारा काम बनेगा अरे ठीक है चलो भाई देखो बैटरी पर अपना पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अब उसके बाद क्या अब उसके बाद क्या भाई अब यहां पे रेजिस्टेंस करंट इधर नेगेटिव करंट इधर अरे ठीक है मतलब तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बैटरी का अपना पॉजिटिव नेगेटिव इसमें करंट इधर जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव इधर जा रही है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इक्वेशंस ये मैं लिख रहा हूं इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं आंसर आप निकालेंगे ठीक है चलिए देखिए अरे भाई देखो अब क्या है अब क्या है भाई कि जब मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया इस स्विच को क्लोज कर दिया तो अब ये कैपेसिटर्स डिस्चार्ज हो जाएंगे ये अभी भी फुल चार्ज नहीं रहेंगे कि तुमको लग रहा है ये तो सारा फुल चार्ज था तो इसके अंदर से करंट कैसे आया लेकिन जैसे ही तुमने इस स्विच को क्लोज किया ये कैपैसिटर ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा मतलब ये लोग उस इंस्टेंट पर डिस्चार्ज होने लग जाएंगे और इनके अंदर से करंट बहेगी ही बहेगी ठीक है अब चलो इस पॉइंट से शुरू करेंगे अपन इसी पॉइंट पर खत्म करेंगे तो देखो 10 वोल्ट में कैसे जा रहे हैं हायर टू लोअर तो यहां पे लिखेंगे प्लस 10 इस 30 ओम में कैसे जा रहे हैं इस 30 ओम में जा रहे हैं हायर टू लोअर हायर टू लोअर जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे तो ये होगा माइनस टेन फिर यहां हायर टू लोअर जाने तो ये होगा माइनस थर्टी आई अच्छा इसमें भी जा रहे हैं अपने पास यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्यू बाई सी होता है भाई वी इक्वेल्स टू क्यू बाई सी तो यहां पर चार्ज कितना होगा अब हमको बताना है कि यहां पर चार्ज कितना होगा यह चार्ज आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगे यार देखो यहां पर चार्ज कितना था फोर्टी कूलम प्लस में यहां पे कितना था माइनस फोर्टी कूलम अब ध्यान दो यहां पर कितना था यही क्यों तो चल रहा था अरे भाई यहां से चल के आया था तो ये था अपने पास 40 माइक्रो कुलम पॉजिटिव ये था माइनस फोर्टी कुलम और यहां क्या था ये था 40 माइक्रो कुलम और ये था अपने पास ये था अपने पास माइनस फोर्टी कुलम और ये दोनों कैसे थे ये दोनों थे जीरो अरे ठीक है तो इनिशियली जैसे चार्ज थे उसी सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे तो जब इसमें जाओगे तो ये 40 और माइनस फोर्टी मतलब हायर टू लोअर तो ये कितना हो क्यू बाई वी क्यों सी तो ये हो जाएगा 40 40 अरे समझ आया 40 by 10, बहुत बढ़िया और 70 ओम में कैसे गए यहां गए हायर टू लोअर तो ये हो गया माइनस ऑफ सेवनटी इंटू आई एंड दैट इज इक्वल टू जीरो हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर वन ठीक ऐसे ही सेम एज इक्वेशन नंबर टू यहां से चलिए यहां पर पहुंचिए फिर यहां खत्म करिए जब हम यहां से चल रहे हैं ध्यान दीजिएगा ये अपने पास 40 माइक्रो फेराट था इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो तुम यहां पे चार्ज कितना निकाले हो तुम चार्ज जो कैलकुलेट करके लियाओ वो माइक्रो माइक्रोकुल मतलब यहां पर 40 यहां माइनस फोर्टी यहां 40 यहां माइनस फोर्टी यहां 40 यहां माइनस फोर्टी अरे ठीक है अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे भाई तो जब यहां से इसको तुम इधर से चलोगे इस जगह से चलना है यहां पे खत्म करना है लगाना है तो जब ये लूप वन था ये लूप वन था ये लूप टू होगा ठीक है चलिए जब लूप टू की बात करेंगे तो हम लूप टू को कैसे सॉल्व करेंगे भाई देखो यहां से शुरू करेंगे इसी जगह पर लाकर खत्म करेंगे ये अपना हो गया लूप टू ये हो गया अपना लूप टू और लूप टू की वैल्यू कितनी जीरो से शुरू करना है और यही लाके खत्म करना है देखो इसमें कितनी करंट बह रही है इसमें लूप टू में कितनी करंट यहां से कितनी करंट जा रही देखो भाई इधर से आ रही है तो हम लोअर टू हायर जा रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे प्लस में हंड्रेड और कितना करंट आई माइनस आई माइनस आई वन अरे ठीक है भाई उसके बाद ये देखो ये माइनस फोर्टी माइक्रोफेराड ये प्लस फोर्टी माइक्रोफेराड उसमें कैसे जा रहे हैं हायर टू लोअर तो ये हो जाएगा अपने पास कितना माइनस 40 डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना है 80 अरे ठीक है फिर उसके बाद बैटरी में कैसे जा रहे हैं लोअर टू हायर तो ये हो जाएगा आपके पास पांच और फिर इसमें कैसे जा रहे हैं 40 माइक्रो कूलम प्लस से लेकर माइनस में तो यहां भी जा रहे हैं हम लोग लोअर टू हायर अरे लोअर टू हायर अरे भाई ये प्लस था ये प्लस था और ये क्या था माइनस था तो हायर टू लोअर तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस में फोर्टी बाई इसका कितना है एट्टी एंड इज अब यहां जब हम पहुंचे तो इस पर तो कोई चार्ज नहीं था इसमें जा रहे हैं लोअर टू हायर तो इसमें लिखेंगे प्लस थर्टी इन टू इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जा रही है आई और इस दस वोल्ट की बैटरी में जा रहे हैं माइनस दस विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर टू और जब वन और टू को आप सॉल्व करेंगे तो आई की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब ये 0.05 पॉइंट आएगा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर निकालिए और ये था हमारा दमदार क्वेश्चन जिसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट था और क्या गलती हो जाती अगर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को इंटरप्रेट ना करते तो ये आंसर आपका गलत हो जाता ठीक है आप जीरो पॉइंट टू ए मार्क कर देते और जो पहला ऑप्शन था वो आप सही कर देते बट ध्यान दीजिएगा कि पहला ऑप्शन सही नहीं है अरे ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आया कि पहला ऑप्शन सही क्यों नहीं है यह आपको समझना पड़ेगा सर कि अगर आप अगर आप यहां टर्मिनल्स पर ध्यान दो अगर तुम यहां टर्मिनल पे चार और जीरो मान दे रहे हो तो जो करंट निकल के आ रही है वो जीरो पॉइंट टू एम्पियर तो जब इधर से जीरो पॉइंट टू एम्पियर आ ही गई तो जाएगी भी तो कहीं तो तुम कैसे इसमें करंट जीरो मान सकते हो अरे चार वोल्ट यहां होने का मतलब है कि इसमें कोई करंट जा नहीं रही है और ऐसा तब हो रहा है जब ये वाला स्विच ओपन है और ये वाला जो स्विच है ये बहुत देर से क्लोज है ठीक है चले आगे बढ़े आओ अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एडवांस 2016 तो क्वेश्चन इट तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कह रहा है कि इन द सर्किट सोन बिलो द की इज प्रेस्ड एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है वोल्ट मीटर डिस्प्लेस माइनस फाइव वोल्ट एज सुन एज दीज प्रस प्लस देना क्या होगा इक्वल्स टू जीरो से करंट चलेगी यहां डिवाइड होगी एक इधर गई आई वन एक इधर गई आई टू फिर यहां आ जाएगा आई वन यहां आ जाएगा आई टू क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का आइडियल वोल्टमीटर की बात करी जाए तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और उसके थ्रू कोई करंट पास करने वाली नहीं है तो इसका मतलब क्या है यहां पर वोल्टेज पांच है यहां पर वोल्टेज कितना है जीरो है देखो भाई यहां पर पांच है यहां पर क्या है देखो यहां पर क्या है भाई यहां पर क्या है यहां पर वोल्टेज जीरो है अब यह कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा कैसे बिहेव करेगा कनेक्टिंग वायर तो देखो यहां पांच यहां जीरो अरे बात समझ आ रही है अब यहां जीरो है तो यहां कितना होगा ये वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि या टी इक्वेस टू जीरो रीडिंग क्या आने वाली है अरे ठीक है चले आगे बढ़े कह रहा है इन द सर्किट सोन बिलो द कीट टाइम टी इक्वेस टू जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ठीक है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है एडवांस टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड है मतलब बहुत भौकाली टॉपिक जिसमें आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरी इलेक्ट्रिसिटी और भाई साहब कैपेसिटेंस दोनों को एक साथ मर्ज कर ले रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला पार्ट द वोल्ट मीटर डिस्प्लेस यह पांच पांच माइनस पांच मिलियमपियर की माइनस पांच वोल्ट की, की रीडिंग शो करेगा तो देखो यहां पे है आपके पास पांच वोल्ट तो ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा इनिशियली तो यहां पर हो जाएगा आपके पास पांच वोल्ट देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई यहां आपके पास हो जाएगा पांच वोल्ट बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कोई करंट इसके थ्रू बहने वाली नहीं है इसके थ्रू नहीं बहने वाली है क्योंकि इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पांच वोल्ट तो यहां भी पांच वोल्ट भाई यहां अगर जीरो वोल्ट तो यहां भी कितना वोल्ट जीरो वोल्ट तो मतलब पहला ऑप्शन जो है एटीक्वे टू जीरो

एंड डिस्प्लेस प्लस फाइव वोल्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत देर तक तुम क्लोज कर दोगे ना तो क्या होगा ये जो कैपेसिटर होगा ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा और अब कहीं कोई करंट बहने वाली नहीं है देखो भाई अगर ये इधर ब्लॉक कर देगा ये इधर ब्लॉक कर देगा मतलब इस इस सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी तो कोई करंट नहीं जाएगी तो क्या होगा ध्यान देना मैं इसी सर्किट का ए पार्ट का दूसरा पोर्शन कर रहा हूं कि ये मेरा कैपेसिटर था ये मेरा वोल्ट मीटर था इधर मेरा रजिस्टर लगा था अरे बहुत बढ़िया भाई इधर अपना एक रजिस्टर लगा था इधर अपना एक कैपेसिटर लगा था और भाई यहाँ पर एक बैटरी लगी थी यहाँ पर वोल्टेज पांच था यहाँ पर वोल्टेज जीरो था एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पांच वोल्ट होगा इसमें जो करंट होगी वो जीरो हो जाएगी आ, आफ्टर आफ्टर टू आफ्टर टीवल टू इनफाइनाइट यहां पांच है तो यहां भी पांच हो जाएगा भाई अरे समझ आया इधर जीरो है तो इधर भी क्या हो जाएगा जीरो और तब वी क्यू माइनस की वैल्यू जो होगी ये प्लस पांच वोल्ट हो जाएगी मतलब ए इज द राइट आंसर ठीक अच्छा बहुत बार बहुत जगह पर अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा पलट के देखेंगे इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पता नहीं क्या क्या करंट वरेंट सब निकाल देते हैं। अरे भाई क्यों निकालना है टीक जीरो पर इसमें करंट वरेंट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है मैं समझ रहा हूं कि समय सुनने पर क्या होगा समय सुनने पर यह कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा जो रजिस्टर होगा हो ये तो पढ़ाया जाता कर रहे हो, like circuit, तो यहाँ पांच वोल्ट पांच वोल्ट जीरो तो यहां भी जीरो तो ना पांच माइनस जीरो आया ना यार अरे पांच आया ना भाई लेकिन तुमको निकालना क्या था ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है तो वी क्यू माइनस वीपी माइनस पांच आया इनफाइनाइट टाइम बाद इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट अगर ये ओपन हो गया तो इधर कोई करंट नहीं जाएगी ये ओपन हो गया तो इधर से कोई करंट नहीं जाएगी रजिस्टर में कोई करंट नहीं गई मतलब दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सेम है तो यहां पांच तो यहां पांच यहां जीरो तो यहां भी कितना जीरो हो जाएगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो प्लस फाइव वोल्ट मिलेगा दैट मीन्स बिना पेन चलाए हम ये कहते हैं कि हमारा पहला आंसर सही होगा दूसरा कह रहा है द वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले जीरो वोल्ट एट टाइम टीवे टू नेचुरल लॉग टू सेकेंड ठीक अरे बात समझ आ रही कह रहा कि जब नेचुरल लॉक टू की बात होगी तो ये वोल्ट मीटर जो होगा ये जीरो रीडिंग मेजर करेगा देखो इनिशियली टीवे तो माइनस पांच मेजर कर रहा है और टी इक्वेस्ट तो इनफाइनाइट पे प्लस पांच मेजर कर रहा है मतलब कोई ना कोई एक ऐसा समय होगा जिस समय ये कितना वोल्ट मेजर करेगा जिस समय इसकी रीडिंग आएगी कितनी वोल्ट दैट इज जीरो वोल्ट अरे ठीक है चलो आओ देखते हैं अच्छा दूसरा क्या रहा था करंट इन द एम मीटर बिकम्स वन बाई ई ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर वन सेकेंड एंड द करंट इन द एम मीटर बिकम्स जीरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अरे बात समझ आ रही बहुत समय बाद वो तो हमने देख लिया कि बहुत समय बाद ये जब दोनों फुल चार्ज हो जाएंगे तो सर्किट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट मतलब डी तो पढ़ते ही सही हो गया अरे समझ आया अब हमको चेक करना है कौन कौन सा बी और सी तो चलो पहले किसको चेक करें पहले पहले सी को चेक करते हैं अगर अपने को आई पता चल जाएगा तो ई e, उसके बाद वी तो हम निकाल ही देंगे ना यार ठीक है चलो देखो कैसे भाई क्यू इक्वस टू ठीक है एक स्लाइड ऐड करते हैं क्यू इक्व टू कितना है अपने पास देखो क्यू इक्व टू क्या होता है क्यू नॉट चार्जिंग में वन माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ और आर सी सर्किट की बात करें तो टाउ जो होता है वो आर इंटू सी के बराबर होता है और इसका नाम होता है क्या टाइम कॉन्स्टेंट अरे ठीक है चलो देखो भाई अब अपने पास अगर इस सर्किट की बात करी जाए जो सर्किट इधर था उसको मैं यहाँ पे फ्रेश बना दे रहा हूँ कि अपने पास एक कैपेसिटर था ऐसे ये कैपेसिटर था यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है भाई साहब फिर इधर एक रजिस्टर लगा हुआ है और फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पर पाँच वोल्ट है यहां पर जीरो वोल्ट है ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर अपने पास एक वोल्ट मीटर लगा है ऐसे

टू कैसे निकालोगे तो देखो आई निकालने के लिए या तो तुम डीक्यू बाई डी टी करो क्या करो डीक्यू बाई डी टी ठीक है टी की वैल्यू चलो पहले टाइम कॉन्स्टेंट निकालो आर कितना दे रखा है रेजिस्टेंस किसी का भी पहले टाउ वन इस वाले को अगर मैंने कैपेसिटर सी वन मान लिया इस वाले को कैपेसिटर सी टू मान लिया तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा 25 किलो ओम का होगा तो 25 फाइव इंटू टू द पावर माइनस थ्री और कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 40 इंटू टेन टू द पावर माइनस तो जो आपको टाउ वन मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई

टू कितना मिला टाउ टू जो होगा वो आर टू इंटू सी टू के बराबर होगा इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है ट्वेंटी इंटू टेन टू दाइनस सिक्स और फिर से ये भी कितना मिल गया टाउ टू भी जो मिल गया वो अपने को मिल गया वन सेकेंड ठीक है भाई अब मेरे से कह रहा है कि मुझे बताना है करेंट क्या बताना है करंट तो भाई करंट कैसे निकाले करंट का फॉर्मूला क्या होता I I e की पावर और I क्या है पांच तो वोल्ट है यहां पर कितना वोल्ट है जीरो वोल्ट जब ये फुल्ली डिस्चार्ज था तो इसमें करंट मैक्सिमम थी और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी थी भाई आई इक्वेल टू वी बाई आर वी की वैल्यू पांच और आर की वैल्यू कितनी 25 किलो ओम तो देखो अगर मैं पहले वाले की बात करूं फॉर सी वन तो जो मेरा आई नॉट होगा वो आई नॉट कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइव बाई ट्वेंटी फाइव इन टेन टू पावर माइनस थ्री तो इससे कितना हो जाएगा ये फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव तो आई नॉट की वैल्यू मुझे मिलेगी जीरो पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री तो इसको मिली एम्पियर लिख लिया मतलब पहले वाले में जो करेंट जाएगा देखो पहले वाले में जो करंट जाएगा टाइम के फंक्शन में वो जाएगा 0.2 पॉइंट टू की पावर माइनस ऑफ टी ठीक है ये होगा अपने पास आई वन अच्छा अगर आई टू देखना होगा तो I2 टू विल बी इक्वल टू आई कितना हो जाएगा वो भी हो जाएगा अपने पास कितना I2 जैसे यहां पर तुम निकाल रहे हो V बाई करके वैसे पांच वोल्ट यहां पर तो I नॉट जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये अपने पास कितना फाइव फिफ्टी किलो ओम तो ये हो जाएगा अपने पास फाइव बाई फिफ्टी इंटू बाई टेन टू दावर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इंटू की पावर माइनस ऑफ टी तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा जीरो पॉइंट वन e ई की पावर माइनस टी आई टू और ये किस में होगा मिली एम्पियोर ये भी किस में था मिली एम्पियोर अरे भाई साहब अपने पास क्या क्या मिल गया आई वन मिल गया और क्या मिला आई वन मिल गया और क्या मिल गया

इस एम मीटर में जो टोटल करंट होगा दैट इज वन बाई द इनिशियल वैल्यू वन बाई द इनिशियल वैल्यू तो देखो इनिशियल वैल्यू क्या होगी इनिशियल वैल्यू आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू की बात करी जाए तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो ये होगा जीरो पॉइंट थ्री इन ई की पावर माइनस ऑफ टी तो पॉइंट थ्री इज द मैक्सिमम करेंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट तो भाई कह रहा है कि जब समय मेरा एक सेकंड हुआ द करेंट इन द दीटर बिकम वन बाई द इनिशियल वैल्यू आफ्टर टी इक्वल्स टू वन सेकंड तो जब अपन टी की जगह वन सेकंड रखेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट थ्री बाई वाह क्या बात है मतलब I not by नॉट e, तो is, is e. मतलब, e of इट इज इक्वल टू the इलेक्ट्रिकल सर्किट अरे यार बहुत अच्छा क्या बात है मतलब सी आंसर भी सही हो गया अब बी को चेक करते हैं बी कह रहा है वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले जीरो वोल्ट एट टाइम इक्वल्स टू नेचुरल लॉग टू सेकेंड मतलब मतलब अब मैं जा रहा हूं ये मेरा था ए ये मेरा था पूरा का पूरा सॉल्यूशन कौन से ऑप्शन के लिए ये मेरा था सी के लिए और डी को तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा डी तो मैंने स्टेटमेंट देख के बता दिया भाई अब हम जा रहे हैं किसको चेक कर रहे हैं अब हम जा रहे हैं अपने बी वाले ऑप्शन को चेक करने के लिए देखो देखो क्या है भाई देखो ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट था इसका यहां पर वोल्टेज मान लो यहां पर वोल्टेज ये जो पॉइंट था ये पी था ये जो पॉइंट था ये क्यू था इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से देखो इस वाले जीरो वोल्ट एट टी सेकेंड तो भाई अगर मैं वीपी माइनस वीपी माइनस ओ की बात करूं वीपी माइनस वीओ की बात करूं भाई यहां पर पांच वोल्ट है तो ये जीरो होगा तो वीपी की वैल्यू देखो कितनी आएगी भाई वीपी की वैल्यू फ्रेश पेज पे सॉल्व करें देखो फिर से इलेक्ट्रिकल सर्किट में ड्रॉ ही कर दे रहा हूं भाई तुम्हें बस कंफ्यूजन ना हो तुम बस अपने क्वेश्चन को स्मूदली कर सको ऐसा करने में ऐसा तुमसे क्वेश्चंस निकलवाने में हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं सर लेकिन तुम्हारा आंसर सही निकलना चाहिए अब देखो ये तुम्हारा पांच वोल्ट है ये तुम्हारा जीरो वोल्ट है ये तुम्हारा वीपी है और ये तुम्हारा वी है और सारी रेटिंग्स देख लो ये तुम्हारे पास है फिफ्टी किलो ओम देखो ये चालीस ये बीस ये फिफ्टी ये ट्वेंटी देखो ये चालीस ये बीस ये फिफ्टी किलोम और ये तुम्हारे पास कितना ट्वेंटी फाइव किलोम ठीक है ये अपने पास कितना है फोर्टी माइक्रोफेरेट ये कितना है ट्वेंटी माइक्रो फेरेट चलो भाई बहुत बढ़िया मेरे से क्या कह रहा है कि बताओ ये प्रूव करके बताओ कि क्या ये नेचुरल लॉग पे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो जीरो आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि समय शून्य पे ये वोल्ट मीटर माइनस पांच मेजर कर रहा था और इनफाइनाइट पे प्लस पांच मेजर कर रहा था मतलब देर विल डेफिनेटली बी अ टाइम एट विच द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी जीरो एक समय ऐसा अवश्य आएगा जिस समय इस वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो होगी अब बताओ चेक करके कि क्या वो समय नेचुरल लॉग टू है कि नहीं है तो देखो अगर मैं बात करूं इसमें किसी करंट की आई की तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर तो वीपी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू कितनी है तो तो इसमें वीपी में, इसमें में जो करंट जा जा रही है, वो जा रही है 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 वो अपने पास आई वन, और आई वन की वैल्यू कितनी है यार e तो लाओ लिख लिख दिया लिख दिया e क्यों सर क्योंकि करंट मिली एम्पियर में थी तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वीपी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी देखो देखो इससे ये कट जाएगा क्या मिलेगा पच्चीस तो इंटू की पावर माइनस टी ठीक है सेम एज अगर तुमको अगर तुमको वी क्यू लिखना हो तो वी क्यू कैसे लिखोगे देखो चाहो तो ऐसे लिख लो फाइव माइनस वी क्यू इसमें जो करेंट जा रही है वो कितनी जा रही है वो जा रही है तुम्हारे पास आई टू तो वीपी फाइव माइनस ध्यान देना फाइव माइनस वी क्यू जो तुमको मिलेगा वो कितना मिलेगा दैट इज आई टू इंटू आर तो आई टू की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन इंटू ई की पावर माइनस ऑफ टी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर थ्री इससे ये कट जाएगा तो फाइव माइनस वी क्यू विल बी इक्वल टू वॉट फाइव माइनस वीक्यूल टू वॉट ये minus t. अरे है? 5 into e minus t. अब मेरे से कहा गया कि बताओ एट टीवल्स टू नेचुरल लॉग टू सेकेंड एट टीवल टू नेचुरल लॉग टू सेकंड देखो वी क्यू यहां से मुझे क्या मिलेगा दैट इज फाइव माइनस फाइव माइनस ये इधर आ जाएगा फाइव इंटू ई की पावर माइनस टी तो मुझे चाहिए वीपी पी माइनस वी क्यू माइनस बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को वीपी माइनस Vq तो ये कितना मिलेगा की की पावर पावर तो ये कितना हो जाएगा? की पावर e अब जब तुम इसको फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा टेन इंटू की पावर माइनस ऑफ नैचुरू और ये माइनस फाइव तो दैट इज इंटू कट जाएगा और ऊपर माइनस वन चला जाएगा वन बाई टू हो जाएगा टू फाइव जा टेन एंड द आंसर इज जीरो वोल्ट वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज भाई साहब इतना दमदार आपको आरसी सर्किट का क्वेश्चन रेयरली कभी देखने को मिलेगा और ये भाई साहब ये हमारा दो का बहुत ही प्रीमियम लेवल का क्वेश्चन था जिसके चारों के चारों आंसर्स सही थे ए बी सी डी सब के सब सही हैं तो इस हिसाब से अगर आपकी तैयारी होगी सर तभी तो एग्जाम निकलेगा ऐसे नहीं निकलेगा मेहनत तो करनी पड़ेगी सर चले आगे बढ़े आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ ये था हमारा पूरा का पूरा कैपेसिटेंस एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ इट इज मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म की शुरुआत ही होती है बायोट्स लॉ से और हम वहीं से अपनी कहानी शुरू करेंगे देखिए

अब ये क्वेश्चन में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्वेश्चन है बहुत आसान देखिए मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि इस ओ पर कितनी होगी तो सबसे पहले मैं एलिमिनेट करूंगा कि कौन कौन से वायर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी तो मुझे दिख रहा है एक ये सेगमेंट है एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है ये तीन सेगमेंट है जो सेंटर से पास कर रहे हैं और इन तीनों से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस ओ पॉइंट पर आने वाली नहीं है मतलब कौन कौन से सेगमेंट से आएगी एक स्ट्रेट वायर दूसरा सर्कल और तीसरा क्वार्टर सर्कल ठीक है चलिए अब इसको हम यहां पे करते, इसका सोल्यूशन सोल्व करते हैं देखिए सोल्यूशन सोल्व करते हैं भाई अपने पास पहला सेगमेंट था यह स्ट्रेट वायर आ कहां से रहा था ये आ कहां से रहा था एल लेंथ का था और पॉइंट कहां पर था ओ पॉइंट भी अपना कहां था एल लेंथ पर था भाई और उसके बाद एक अपने पास ये सेमी सर्कल था ठीक है चलिए कलर चेंज कर करके बनाते हैं थोड़ा सुंदर लगना चाहिए ये था अपने पास सेमी सर्कल इसका रेडियस कितना था इसका रेडियस था एल बाई टू थोड़ा बड़ा बना दिया जाए थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको देखो ऐसे हो गया ठीक है और एक दूसरा छोटा वाला था वो ऐसे था इसका रेडियस एल बाई फोर था ये अपने पास तीन ज्योमेट्रीज हैं जिनकी वजह से इस पर इन सब में करंट आई दौड़ रही है जिसकी वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है तो अगर मैं पहले वाले सेगमेंट की बात करूं तो देखो पहला वाला जो सेगमेंट है वो यहां पे एंगल बना रहा है 45 डिग्री इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ट होगी इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी तो सेगमेंट का नाम दे दो वन टू एंड दिस वन इज थर्ड सेगमेंट इसका भी कलर चेंज ही कर देते हैं ये अपने पास क्वार्टर सर्कल है और यह हमारा हो गया सेगमेंट नंबर थ्री जब हम सेगमेंट वन से डील करेंगे तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बी वन आएगी और वो कितनी आएगी हम जानते हैं टू के आई बाई ए टू के सॉरी के आई बाई एन प्लस साइन थीटा टू तो देखो के आई बाई ए की वैल्यू होती है थीटा वन की वैल्यू है जीरो डिग्री और साइन देखो भाई जिस एंड पे करंट खत्म हो रही है वहां थीटा वन होता है जहां से शुरू हो रही है वहां थीटा टू होता है तो थीटा टू की वैल्यू कितनी है थीटा टू की वैल्यू कितनी है फोर्टी फाइव डिग्री तो ये हो जाएगा अपने पास साइन फोर्टी फाइव डिग्री और भाई साहब इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एल है तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा के आई बाई के आई बाई एल तो देखो बी वन इक्वल टू के की जगह लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एल और यहाँ हो जाएगा आई साइन जीरो की वैल्यू जीरो साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू तो बी वन अपने को मिल गया कितना बी वन मिल गया म्यू नॉट आई बाई फोर रूट टू पाई एल ये हो गया अपने पास बी वन ठीक है भाई अच्छा बहुत बढ़िया बी टू कितना होगा यार इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी टू वो भी तो जेड एक्सिस में आ रही है और वो भी तो इन्वर्ट जा रही है भाई सेमी सर्कुलर वायर है तो फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इन टू आई बाई आई बाई रेडियस कितना है एल बाई टू और भाई कितना एंगल बना रही है ये एंगल बना रही है पाई बाई टू तो देखो इस टू से ये टू कट जाएगा तो बी टू की वैल्यू कितनी मिलेगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई एल ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया अब थर्ड वाले सेगमेंट की बात करो बी थ्री तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई अरे सॉरी गड़बड़ गड़बड़ गड़ गड़बड़ गड़ गड़बड़ 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 गड़ अरे भाई पहला वाला सेमी सर्कल है सेमी सर्कल कितना एंगल बना रहा है सेमी सर्कल पाई एंगल बनाता है किसी भी आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई बाई रेडियस आर या ए इंटू थीटा याद रखेगा थीटा मस्ट बी रेडियल अगर ऐसे याद करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा सर तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई बाई एल बाई टू इंटू पाई इस पाई से ये पाई कट जाएगा ये टू टू जा फोर हो जाएगा तो बी टू की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई टू एल ठीक है अच्छा बी थ्री कितना हो जाएगा बी थ्री कितना हो जाएगा ये क्वार्टर सर्कल है पाई बाई टू तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई इंटू एल बाई फोर इंटू एंगल कितना पाई बाई टू अरे बहुत अच्छा फोर कट गया पाई पाई से कट गया तो ये कितना आया म्यू नॉट ठीक है अब देखो अब मैं अगर इसको ध्यान से देखू ना तो मुझे इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि तीनों से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो अंदर ही जा रही है तो म्यू नॉट आई बाई टू एल म्यू नॉट आई बाई टू एल एड होंगे तो ये हो जाएंगे म्यू नॉट आई बाई एल ठीक है अच्छा भाई अब मैं यहां से म्यू आई को बाहर कर लूं तो यहां ऑप्शन तो वन वन ठीक है C the, C right आसान सवाल था इसमें कोई खास बात नहीं थी तो इसी वजह से बायोट सेवर्ट्स के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा बायोट सेवर्ट्स का क्वेश्चन आपको सही सही आंसर निकाल कर देंगे जनरली बायोट सेवर्ट का चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आए अरे

दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन कह रहा टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूपनियस आर एंड देश टू आर एक का रेडियस अपने आर इस वाले का रेडियस आर और बड़े वाले का रेडियस दे रखा है टू आर ठीक है कह रहा है कि लाइज इन द प्लेन विद द ओरिजिन एज देयर विद द ओरिजिन एज देयर कॉमन सेंटर एज शोन इन फिगर द स्मॉलर लूप कैरीज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड द लार्जर लूप कैरीज आई टू इन द क्लॉक डायरेक्शन विद आई टू इज ग्रेटर देन टू आई वन आई टू की वैल्यू जो है क्वेश्चन में ये कह रहा है गिवन डेटा में आई टू की वैल्यू जो है वो टू आई वन से बड़ी है I2 की वैल्यू जो है वो 2I1 से बड़ी है भाई अच्छा बहुत बढ़िया कह रहा है B मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B बार x, y डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x, y इन द xy प्लेन कहीं भी xy प्लेन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ठीक है तो so, देखो अब क्या है कि सबसे पहला कह रहा है किस वाई पर प्लेन देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर जिस भी प्लेन में रखा है उस के तो फर्स्ट right ऑप्शन अच्छा दूसरा कह रहा है एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो जब तुम बायोट सेविट्स लॉ की बात करते हो तो डी बी इक्वेस टू क्या होता है के आई dl sin theta upon r square अब इसमें मैं कहीं भी कोई पॉइंट r बना लूं दैट इज x कॉमा y भाई तो ये जो r की वैल्यू मुझे मिलेगी भाई वही तो वेरिएबल है k कांस्टेंट है i कांस्टेंट है और ये दोनों शेप फिक्स हैं इनके शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है अरे बात समझ आ रही तो db जो होगा वो बस किस पर डिपेंड करेगा वो केवल पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करेगा तो b जो होगा वो भी सही होगा अच्छा सी क्या कह रहा है बी एक्स कॉमा वाई इज नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट फॉर आर आर इज लेस देन अरे ठीक है अगर मेरा आर जो है अगर मेरा आर जो है वो छोटा है किससे अगर मेरा आर जो है वो छोटा है किससे भाई वो किससे छोटा है ये गिवन पॉइंट जो है ये इस वाले पॉइंट के अंदर है तो कह रहा है कि बी इज नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट बी जो होगा वो हर पॉइंट पर नॉन जीरो होगा अरे ठीक है अब देखो जब मैं सेंटर पे पहुंचूंगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा भाई अगर मैं इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालू तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर को मैं लिख सकता हूं क्या म्यू नॉट आई वन बाई टू आर ठीक है एक अपने पास आर है एक अपने पास टू आर है और दूसरा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट आई टू बाई ये अपने पास हो जाएगा कितना फोर आर और मैं यहां से कॉमन क्या कर सकता हूं म्यू नॉट बाई अगर अपन फोर आर कॉमन कर लें तो ये क्या मिलेगा टू आई वन माइनस आई टू ठीक है भाई और जो कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की बात हो रही भाई अब ध्यान देना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है ये इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू आर है एट सेंटर जो है वो इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू आर ठीक है ना भाई रेडियस के यहां ध्यान दीजिएगा सेंटर पे निकाल रहे हैं हम लोग अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे देखो अगर मैं यहां पे बात करूं कि मेरा आई टू जो है मेरा आई टू जो है वो टू आई वन से बड़ा है तो सेंटर पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नेगेटिव होगी सेंटर पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नेगेटिव होगी मतलब आउटसाइड साइड में कहीं चला जाऊं तो हो सकता है वहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव हो जाए अरे बात समझ आ रही तो मेरे से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या बी एक्सोमा वाई नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट आर इज लेस देन आर अगर मैं कहीं भी अंदर हूं तो क्या इस अंदर वाले हर पॉइंट पर जो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या नॉन जीरो होगी अगर नेगेटिव हो रही अगर नेगेटिव हो रही है भाई इसके बाद तुम ये तो किस बात पे डिपेंड करेगा ये x एक एक्सक्वायर अंडरवूड ऑफ एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर पे डिपेंड करेगा ना यार अरे बात समझ आ रही है तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो मेरा c वाला पॉइंट है ये c वाला पॉइंट जो होगा ये सही नहीं होगा अच्छा डी वाला पॉइंट क्या कह रहा है बी एक्स एक्समा वाई पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट बिटवीन द टू लूप ये तो हमको पहले से ही मिल गया था कि अगर हमारा पहला सही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस हिस्से में कहीं आगे होगी कहीं पीछे होगी वो एक्स एक्सक्वा वाई पर डिपेंड करेगी मतलब एक बार कहीं आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी कहीं इनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो केवल आउटवर्ड होगी ये जरूरी नहीं होगा बस जरूरी क्या होगा कि इस प्लेन के होगी। अरे अरे बात बात तो इसका जो जो सही आंसर आंसर हो हो जाएगा, जाएगा वो वो अपने पास एंड एंड होगा, होगा। गलत ठीक? हो चलो आओ। आगे बढ़ते, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन एक्स ऑन फिगर पॉइंट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर अ पार्टिकल विद चार्ज प्लस क्यू एंडम पी इज डायरेक्टेड अलॉन्स एंटर्स रीजन फ्रॉम रीजन वन एंटर्स इन रीजन ये रीजन टू लिखा हुआ है रीजन रीजन फ्रॉम एट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो पहले उस डायग्राम को हमको बहुत साफ सुथरा बनाना पड़ेगा क्वेश्चन कह रहा कि अपने पास ना तीन रीजन है एक अपने पास ये हिस्सा है इसको बोला गया रीजन वन एक हिस्सा ये रहा इसको कहा गया रीजन टू और एक हिस्सा ये रहा इसको कहा गया रीजन थ्री ठीक है भाई तीन रीजन हो गए अपने पास चलो आ जाओ देखते हैं अब इन तीन रीजन में कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले रीजन में यहां पे अपने पास ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है भाई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और कहा जा रहा है कि इसका जो रेडियस है इसका जो गैप है ये गैप अपने को कितना दे रखा है दैट इज थ्री आर बाई टू ठीक है और क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है एक पार्टिकल है है जिसका चार्ज Q है और मोमेंटम P है क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन कहा गया कि अ पार्टिकल विद चार्ज Q एंड द मोमेंटम P डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस एंटर द रीजन फ्रॉम रीजन वन एट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट ठीक है देखिए अपने पास एक पॉइंट दे रखा है P2 एक पॉइंट दे रखा है P1 डायग्राम में देखिए अपने पास यहां पर एक पॉइंट है P2 सॉरी P1 और यहां पर एक पॉइंट है P2 इसको कहा गया कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये जो है ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और जो P2 पॉइंट है वो माइनस आर नीचे है कितना नीचे भाई ये माइनस आर यहां से नीचे है अब यहां से एक चार्ज पार्टिकल को यहां से एक चार्ज पार्टिकल को रीजन वन से रीजन टू की तरफ फेंका जाता है जिसका चार्ज क्यू है और मोमेंटम पी दे रखा है ठीक है तो जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है कि फॉर बी इज ग्रेटर देन टू पी बाई थ्री क्यू आर दार्टिकल विल री एंटर इन रीजन वन अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा पार्टिकल जो है वो रीजन वन में वापस आ जाए उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये रिलेशन होना चाहिए ठीक आओ देखते हैं भाई देखो अगर बात करी जाए इस चार्ज पार्टिकल के प्रोजेक्शन की तो चार्ज पार्टिकल आर रेडियस पर प्रोजेक्ट करा गया ये थ्री आर बाई टू है भाई तो मैं चाह रहा हूं कि ये रीजन वन में फिर से वापस आ जाए तो रीजन वन में वापस आने के लिए क्या इसको इस पॉइंट को टक से छू के वापस आना पड़ेगा अरे आना पड़ेगा ना भाई तो देखो हम क्या जानते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो गोल गोल घूमने के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमने के लिए क्या कंडीशन है कि एम वी स्क्वायर बाई आर जो होना चाहिए वो क्यू वी बी के बराबर होना चाहिए अरे भाई नाइन्टी डिग्री पे फेंका जा रहा है अरे बात समझ आ रही अरे मैग्नेटिक फोर्स क्यूवी भी साइन थीटा होता है भाई तो यहां से क्या होगा देखो इस वी से ये स्क्वायर कट जाएगा एम वी की जगह पी लिखा जा सकता है भाई रेडियस ये आर कुछ भी हो सकता है देखो ये जो अपना आर है ये कुछ भी हो सकता है भाई ये रेडियस हो गया यार तो ये पी बाय पी इसको लिख लिया एम को यहां आर हो गया ये क्यू इन टू बी हो गया तो भाई मेरा जो आर होना चाहिए इसका जो रेडियस होना चाहिए ध्यान देने वाली बात है इसका ये रेडियस होना चाहिए इस रेडियस की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जस्ट इसको ऐसे पार करके आ जाए ठीक है भाई तो क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई बताओ इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये यह यहां से रीजन वन में वापस आ जाए तो रीजन वन में वापस आने के लिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर बी मेरा टू बाई थ्री टू बाई थ्री पी बाई क्यू आर से बड़ा होगा तो क्या पार्टिकल जो होगा विल री एंटर इन रीजन वन अरे भाई यहां से ऐसे जाएगा यहां से ऐसे जाएगा यहां से ऐसे, यहां से ऐसे गोल घूम के आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना कह रहा है यहां से बी कितना आएगा तुम्हारे पास देखो भाई यहाँ से बी कितना आएगा क्या पी बाई क्यू इंटू आर के बराबर आ रहा है और कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दो मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है क्वेश्चन में देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टू बाई थ्री इंटू पी बाई क्यू आर है मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए ये किससे बड़ा होना चाहिए मतलब पी बाई क्यू आर मस्ट बी मस्ट बी ग्रेटर देन किससे मस्ट बी ग्रेटर देखो किससे टू पी बाई थ्री क्यू आर तो ये कितना टू पी बाई थ्री क्यू आर अरे बहुत अच्छा वेरी गुड भाई तो देखो क्या पी P से पी P कट, कट, Q Q कट जाएगा तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी आर की वैल्यू क्या मिलेगी क्या थ्री आर बाई टू से छोटी आ गई अरे बात समझ आ रही अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड टू पी बाई थ्री क्यू आर से बड़ा है तो जो मेरा रेडियस आया जो मेरा रेडियस आया वो थ्री आर बाई टू से छोटा आया मतलब ये जो गैप है ये थ्री आर बाई टू है तो इसको पल्टी मार के इस रीजन में वापस आने के लिए ये जो मैक्सिमम रेडियस बना सकता है वो कितना बना सकता है थ्री आर बाई टू अरे बात समझ आ रही तो मतलब पहली सिचुएशन जस्टिफाइड है भाई मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाओगी और जल्दी मुड़ जाएगा अरे समझ आया अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड देखो क्वेश्चन देखो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड टू बाई थ्री पी बाई क्यू आर से बड़ी है तो जो मेरा रेडियस होगा वो थ्री आर बाई टू से छोटा होगा मतलब पार्टिकल पूरा गोल घूम के रीजन वन में वापस आएगा अरे समझ आया चलो इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है ये अपने पास ए पार्ट है तो ए पार्ट सही आया क्या हाँ भाई ए पार्ट सही आया बी पार्ट कह रहा फॉर बी टू पी क्यू आर द पार्टिकल विल एंटर रीजन थ्री थ्रू द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस थ्रू द पॉइंट यहां पर मिसिंग है पी टू ऑन द एक्सिस अरे हुआ ये सवाल ये पार्ट जो इसका बहुत शानदार है कहा जा रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड 8 बाई थर्टीन एट बाई थर्टीन पी करेगा? अरे बात समझ आ रही तो चेक करते हैं, हैं डायग्राम को उसी डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास रीजन था ये अपने पास पॉइंट पी टू था ये अपने पास पॉइंट पी वन था जो यहां से ये अपने पास पॉइंट पी वन था जो यहां से कितना नीचे था ये आर नीचे था और यहां से चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि वो यहां से पास कर जाए तो देखिए मैंने कहा कि एक काम करो इसका सेंटर ढूंढो तो इसके सेंटर को पहले लिखो दैट इज ए कॉमा बी सेंटर हो गया ए कॉमा बी और ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये यह जो ट्रेजेक्ट्री बना रहा है ये ट्रेजेक्ट्री कैसी बना रहा है दिस ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर इन नेचर अरे बात समझ आ रही तो देखो भाई मैं कह रहा हूं कि इसका रेडियस हो गया अपने पास आर रेडियस कितना हो गया? आर, अच्छा। अगर यहां पर तुम ध्यान दीजिएगा ये पूरा आपके पास स्मॉल आर है ये कैपिटल आ है तो ये कितना हो गया ये वैल्यू कितनी हो गई यही तो बी होगा यार और ये बी कितना हो गया स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर ठीक और हम सर्कल की क्वेश्चन क्या जानते हैं सर्कल की क्वेश्चन क्या जानते वैल्यू तो कितनी है कितना गए भाई एक्स एक्सिस में ये जो पी पॉइंट है ये थ्री आर बाई टू है मतलब इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं थ्री आर बाई टू और वाई को लिख सकता हूं जीरो तो क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू हो गई थ्री आर बाई टू माइनस ए हो गया जीरो का स्क्वायर प्लस वाई हो गया जीरो माइनस बी की वैल्यू हो गई आर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो इसको तो अपन ऐसे लिख लेंगे आर माइनस आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा नाइन आर स्क्वायर बाई फोर ये अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर और यहां पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा थर्टीन आर स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू माइनस ऑफ इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टू आर इंटू कैपिटल आर इससे ये कट जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन बाई एट कैपिटल आर स्मॉल आर विल इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू थर्टीन बाई एट रहा है तुम्हारा क्यू आर बी की वैल्यू कितनी है एट पी बाई थर्टीन क्यू आर दार्टिकल विल एंटर इन द रीजन रीजन थ्रू द पॉइंट पी टू ऑन द एक्स एक्सिस आओ समझते हैं भाई तो हम क्या जानते हैं कि एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर जो होता है वो किसके बराबर होता है वो बराबर हो जाता है क्यू वी बी के इस वी से अरे यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से r की वैल्यू आ जाएगी p बाई क्यू इंटू बी अब ध्यान दो अब मेरा जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्या कह रहा है अरे भाई ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अपना कि जो बी है ये एट बाई पी इंटू थर्टीन क्यू आर है अरे बात समझ आ रही अगर मैं यहां पर बी की जगह अगर मैं यहां पर बी की जगह एट बाई थर्टीन रख दू अरे बात समझ आ रही देखो इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो इधर सॉल्व करना था इसको यार ये थोड़ा यहां गड़बड़ सॉल्व हो गया जगह गलत हो गई क्या था एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो किसके बराबर है क्यू वी बी के बराबर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा ये एम वी की जगह पी बाई आर विल बीवल टू क्यू बी हो जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू आई पी बाई क्यू बी या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आया कितना b की वैल्यू कितनी आई भाई b की वैल्यू आ गई अपने पास पी बाई क्यू इन आर ठीक और ये b किसके बराबर देखो जरा तो ये बी जो है ये बी आपका बराबर है किसके ध्यान दीजिएगा ये बी आपका बराबर है ये बी आपका बराबर है एट बाई थर्टीन पी बाई क्यू आर एट बाई एट बाई थर्टीन देखिए यहां पे एट बाई थर्टीन पी बाई क्यू आर अब मैं इस P से ये P काट दूं दू? अरे समझ आया तो small R की वैल्यू यहां से मुझे कितनी 13 बाई एट कैपिटल R अरे बहुत बढ़िया भाई साहब इससे पता चला कि इस मैग्नेटिक फील्ड पर ये पार्टिकल इसी पॉइंट से पास करेगा अरे बात समझ आ रही ये रहा हमारा एक और बहुत शानदार क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का ठीक है जिसमें हम ट्रेजेक्ट्री से निकाल रहे हैं जिसमें हमको मैथमेटिक्स आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल आना चाहिए तभी सही निकल पाएगा आइए और देखते हैं और ऑप्शन क्या कह रहा है सी ऑप्शन फॉर अ बी पार्टिकल्स ऑफ सेम चार्ज क्यू एंड सेम वेलोसिटी वी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी वन एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इन टू द रीजन वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द

लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्या कह रहा है कि ये, अच्छा ये जो क्वेश्चन है यह टू थाउजेंड एंड थर्टीन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंडेड एज अ स्पाइरल स्पायरल हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी द स्पायरल लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एंड द स्टेडी करेंट आई फ्लो थ्रू द वायर द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल इस स्पाइरल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तो आइए देखते हैं भाई स्पाइरल को हम फिर से रीड्रॉ करते हैं ये हमारा स्पाइरल है ये हमारा स्पाइरल है इसका जो इनर रेडियस दे रखा है इसका इनर रेडियस दे रखा है अपने पास ए और जो आउटर रेडियस दे रखा है आउटर रेडियस दे रखा है क्या बदल रहा है, बदल रहा है ना तो मुझे कहा? बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तो मैंने कहा कि जब वेरिएबल आ रहे हैं बहुत सारे तो एक काम करो इसको ना इंटीग्रेट करके निकालो कि एक्स पे जाके एक छोटा सा रिंग बनाओ जिसकी थिकनेस हो डी एक्स x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट हमने बना लिया जिसकी थिकनेस कितनी हो dx भाई तो इसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डी बी छोटी लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे होंगे कितने आ रहे होंगे अरे बात समझ आ, म्यू आई अप, म्यू आई बाई आ रही तो नंबर ऑफ टर्न्स हम डीएन से मल्टीप्लाई करा देंगे अब क्या करें अब यही डीएन निकालना चैलेंज है यही डीएन निकालना चैलेंज है तो अच्छा, देखो कि इनर रेडियस ए है आउटर रेडियस बी है तो बी माइनस ए थिकनेस में इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है तो यूनिट थिकनेस में कितने होंगे अपॉन माइनस ठीक है तो डी थिकनेस में कितने होंगे डीएक्स थिकनेस में एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी तो इसको उठा के यहां रख दो तो बी विल बी इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू एक्स इंटू यहां वाली वैल्यू उठा के डी एन वाली वैल्यू यहां रखेंगे कितना मिलेगा एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स और इंटीग्रेट कर दो इसको जीरो से लेकर बी तक ए से लेकर ए से लेकर बी तक तो डी बी का हो गया बी म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन बी माइनस ए को बाहर कर लिया अरे टू को भी बाहर कर लिया भाई अब क्या बचा एक्स और लिमिट कहां से कहां तक ए से लेकर बी तक तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन टू इंटू बी माइनस ए इंटू ने लॉग एक्स और लिमिट कहां से कहां तक ए से लेकर बी तक तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन टू इंटू बी माइनस ए दैट इज नैचुरल लॉग बी बाई ए अरे बात समझ आ रही है ये हो गया हमारा मैग्नेटिक वीलैट सेंटर इट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ द लास्ट क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर पार्ट देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है और वो थोड़ा सा उसमें टॉर्क एंड फोर्सेस की कहानी है एंगुलर मोमेंटम की कहानी है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज and the question is a circular coil of radius r and n turns has a negligible resistance as shown in the schematic figure its two ends are its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wire with its plane being vertical the wires are connected to a capacitor with a charge q through a switch the coil is in a horizontal uniform magnetic field parallel to the plane of the coil when the switch is closed

तुमको बताना है दॉल इज इनिजोंटल मैग्नेटिक फील्ड पैरल टू द प्लेन ऑफ अरे बात समझ आ रही बात समझ आ रही और फिर से क्या कह रहा है ठीक तो हम क्या जानते हैं भाई टाउ इक्वल टू डीएल बाई डी टी टाउ इक्वल टू डीएल बाई डीटी चलो भैया तो डीएल इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है डीएल टू लिखा जा सकता है टाउ इन टू डी टी ठीक है चलिए बढ़िया तो dl टाऊ की वैल्यू कितनी होती है nia m b sin थीटा मैग्नेटिक मोमेंट को nia बोलते हैं अरे बोलते हैं ना तो यहाँ क्या हो जाएगा nia b अरे बात समझ आ रही भाई इस समय ये ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास b नॉट इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री अरे समझ आया sin 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू हो गई वन अरे ठीक है उस इंस्टेंट पर मान लीजिए इसके अंदर जो करंट थी ये जो करंट थी ये कोई आई करंट थी एन आई ए इंटू बी नॉट इंटू डी अरे ठीक है भाई बहुत बढ़िया ये हो गया आपने पास डी ठीक है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी एन ए बी नॉट आई ठीक है भाई और भाई dl को जीरो से लेकर l तक dt को जीरो से लेकर t तक तो dl एल इक्वल टू एल हो जाएगा या dl एल जीरो से l इनिशियल कर सकते हो तो एन बी को डी क्यू भी लिख सकते हो इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा q एन बी नॉट ए और एरिया की जगह अपन क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू तो l विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वा ये हो गया आपने पास एन अरे ठीक है तो देखो कौन सा है भाई कोई है क्या पाई एन बी पाई एन क्यू बी नॉट आर अरे बात समझ आ रही the right the right right खास नहीं था इस क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन था और मुझे लग रहा है ये 2015 या 2016 में पूछा गया था यहां है. है? में, में हमने कवर कर लिया आज के पार्ट टू में हम लोगों ने कवर कर लिया क्या क्या कैपेसिटर्स कवर कर लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिया मैग्नेटिज्म कवर कर लिया लेकिन मैग्नेटिज्म का अस्तित्व तो अभी खत्म नहीं हुआ अभी मैग्नेटिज्म अपना रुद्र अवतार

इसके बाद हम अपना पार्ट थ्री लेकर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कालेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इसको हम अलग से दो छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन इसको अलग से हम पूरा पार्ट थ्री इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि सर इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म ठीक ठाक करंट इलेक्ट्रिसिटी और ठीक ठाक कैपेसिटर सबका सब मिक्स होकर आएगा ठीक है चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीवाई क्यू सीरीज थर्ड पार्ट ऑफ दिस पीवाई क्यू सीरीज इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म पार्ट थ्री और इसमें जो क्वेश्चन हम रखेंगे वो क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट के ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद चलिए बाय मन लगाकर पढ़ते रहिए अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे